चेक 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 चेक, स्वागत है गाइस आप सभी का आज के स्ट्रीम पे। दिस इज ब्लेज गर्ल्स क्रिम्स ऑन योर स्क्रीन एंड यहाँ पे हो चुका है ग्लिच, स्पेक्टेटिंग का ग्लिच हो चुका है। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो फ्लाइट पाथ स्टार्ट होता हुआ शूटिंग रेंज से लेके मिलिट्री बेस तक जा रहा है, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे बना है। ड्रॉप लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी फॉर दो स्क्वाड्स हु आर प्लानिंग टू गो टू यशनाया पोलियाना लिपोवका मैंशन प्रिजन एंड ऑल दोस प्लेसेस इन द ईस्टर्न साइड। आज तक मैंने अभी तक देखा नहीं है कि यहाँ कामेश की और स्टैबलर के साइड पे कोई भी स्क्वाड जाती हुई, तो यहाँ पे अभी के लिए उसको हम थोड़ी देर पे पॉज पे रखेंगे। और यहाँ पे एक बार मैं आपको स्लॉट लिस्ट दिखाना चाहूँगा एंड दिस इज द स्लॉट लिस्ट ऑफ फॉर टुडेज मैच। 17 टीम्स एंड 65 प्लेयर्स इन द लॉबी, टीम आई, टीम हाइड्रो, टीम मिस, टीम केएस, टीम स्ले, टीम आरआईपी, टीम टीआरआई, टीम बास, टीम एचएस, टीम आरआईपी एसक्यू। ओके, सो देयर इज वन टीम आरआईपी जो यहाँ पे थ्री मैन खेल रही है काफी दिनों से एंड देयर इज अनदर आरआईपी एसक्यू, वो हम ध्यान रखेंगे। एंड विद दैट यहाँ पे ऊपर से अगर हम देखें तो तीन स्लॉट टू यहाँ पे एक मिक्स लाइनअप दिखाई दे रही है, योलो की लाइनअप है, मिस की लाइन
एलएस की लाइनअप, डिप्रेशन की लाइनअप, एंड दिस इज लुकिंग गुड गाइस। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट्स के पास है एक क्लाइंट टैग, एंड यहाँ पे टीम मिस यहाँ पे दो लाइनअप के साथ आती हुई नजर आ रही है। एंड फॉर नाउ इफ यू आर एबल टू लुक एट दिस, यहाँ पे फेरी पेयर के साइड पे दो स्क्वाड्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वन इज हाइड्रा एंड द अदर वन इज राइट बिहाइंड देम, विच आई एम नॉट एबल टू स्पॉट फॉर नाउ, बट आई गेस दैट इज टीम नंबर 17, 10 और 9 समवेयर। ओके दैट इज टीम नंबर 6, दैट इज टीम एलएस। तो अभी के लिए आप देख पा रहे हो बहुत सारा ही क्लस्टर बन चुका है इन दिस एरिया ऑफ रोजॉक एंड स्कूल। एंड इस एरिया पे अगर आप देख रहे हो, टीम 15 इज लूटिंग द स्कूल मेन बिल्डिंग, टीम 21 यहाँ पे थोड़ी सी राइट हैंड साइड में आते हुए नजर आ रही है, टीम 23 यहाँ पे कार सिक्योर करके निकलना प्रेफर कर रही है, एंड टीम नंबर 2 एज वेल राइट नाउ ऑन द स्क्रीन इफ यू आर एबल टू सी, दे आर ऑल्सो सिक्योरिंग अ कार एंड लीविंग दिस एरिया, दे आर वेकेटिंग दिस एरिया फॉर नाउ। टीम नंबर 9 यहाँ पे उनके ऊपर शॉट्स लेते हुए नजर आ रही है, बट टीम नंबर 9 का जो यहाँ पे ड्रॉप है वहाँ पर घर काफी कम है। आई आई रियली होप दे गेट द लूट दैट दे वॉन्ट फॉर, बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम नंबर 2 एंड टीम 9 दोनों को ही यहाँ पे जाना था, यशनाया टीम 23 को भी यहाँ पे यशनाया ही जाना था। एंड अगर आप देख पा रहे हो तो वो यहाँ पे यशनाया के और बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। टीम नंबर 9 यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत में फंसती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उनके पास नहीं है एक व्हीकल। यहाँ पे नंदन घड़ घड़े घड़ेगे, अरे बाप, नंदन सर यहाँ पे हाय बोलते हुए, हाय ब्रो, स्ट्रीम पे 2 मिनट का डिले है तो मैं यहाँ पे जो भी बोलूंगा वो 2 मिनट के बाद ही आपको सुनाई देगा। सो प्लीज जस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट लीव एंड गेट योर रिप्लाई, आई मीन गेट योर लाइव आंसर्ड, योर जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, हेट देना चाहते हो हेट दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट दिखाना है मुझे तो आप बता दो, मैं वो भी दिखा दूंगा। बट फॉर नाउ नीचे के साइड से अगर हम देख रहे हैं, टीम नंबर 4 यहाँ पे छोटे छोटे कंपाउंड्स को लूट करते हुए, दैट इज टीम योलो। टीम 4 आर्क की यहाँ पे टीम नंबर 19 जो है, मैं वो एक बार देखना चाहूंगा कि उनका यहाँ पे नाम क्या है, दैट इज वाइल्ड कैट्स। ओके सो यहाँ पर टीम केएस, जो केएस है आई गेस दे शुड एक्चुअली नेम देम सेल्स एज केएस ओनली, क्योंकि यहाँ पे केएस का टैग अगर 3 लोगों के पास है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई विल नॉट बी यूजिंग द वर्ड वाइल्ड कैट्स, बट आई विल बी यूजिंग द वर्ड केएस। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम 19 एंड अलॉन्ग विद देम टीम 16 आर इन दिस एरिया ऑफ मिलिट्री बेस, एंड यहाँ पे वी नो अबाउट टीम 19 प्रीटी वेल। यहाँ पे 4 आर के कायन है तब के स्क्रीन पे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। के एस के तसीफा के ऊपर मैं आऊंगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो वो यहाँ पे सराउंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 16 को। टीम नंबर 16 के एक बंदी यहाँ पे फ्लैंक पोजिशन होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रो के ओवो सैम यहाँ पे एक हाई आल्टीट्यूड से गिर के नॉक होती हुई नजर आ रही है, बट आई गेस दैट इज बिकॉज शी फेल ऑफ फ्रॉम अ व्हीकल। RIP SQ की लाइन अब यहाँ पे एक नॉक निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सो लेट अस गो ओवर देयर फॉर नाउ, एंड यहाँ पे देखना चाहूंगा कि यहाँ पे किसका फाइट हो रहा है। यहाँ पर RIP SQ के साइलिशिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं एक नॉक निकालते हुए, दे आर फाइटिंग अ बैटल आउट विद टीम 9 राइट नाउ, जहां पर आप देख रहे हो भावना यहाँ पे फंस चुकी है, एंड भावना को यहाँ पे नॉक जो किया गया है उनका यहाँ पे किल कंफर्म होते हुए नजर आएगा। भावना के पास लूट भी नहीं है, दिस इज बिकम रियली अनफॉर्चुनेट। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो RIP SQ की कैप्टन यहाँ पे उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ एक बार मैं लाइव स्ट्रीम को भी चेक करना चाहूंगा, बट बिफोर दैट गाइस यहाँ पे नाइसा RIP SQ के विचर को डाउन करते हुए एंड डिप्रेशन की स्क्वाड यहाँ पर गाइस थोड़ी सी यू नो संभलते हुए नजर आ रही है। एंड नाइशा एंड पांडा विल बी द फाइनल 2 पीपल फ्रॉम टीम डिप्रेशन। एंड यहाँ पे RIP SQ की लाइनअप पे अगर आप देखो तो विचर को यहाँ पे नॉक और फिनिश किया गया है, एंड टीम नंबर 13 विल डेफिनेटली वॉन्ट टू कैपिटलाइज दिस सिचुएशन। यहाँ पे अगर मेरी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है तो डेफिनेटली लेट मी नो, एंड अगर ज़्यादा ही आ रही है तो मुझे वो भी बता दो ताकि मैं थोड़ा सा कम कर दूँ मेरे वॉल्यूम को। एंड विद दैट बीइंग सेड यहाँ पर मैं एक बार देखना चाहूँगा कि स्ट्रीम अगर सब कुछ सही चल रहा है, एंड यस यहाँ पे स्ट्रीम का सब सही ही चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम RIP SQ थोड़ी सी फॉल बैक करते हुए नजर आ रही है, सो वी विल वांट टू गो टू अनदर प्लेस वेयर वी माइट पॉसिबली हैव अ फाइट। यहां पे टीम स्ले नजर आ रही है टीम नंबर 17 के साथ जॉर्जोपोल की क्रेट सिटी लूटते हुए, LS की फाइट होते हुए नजर आ रही है। दे हैव गॉट अ नॉक एंड आई वुड वांट टू गो टू टीम नंबर 22 राइट नाउ, क्योंकि यहां पे उनका एक प्लेयर डाउन हो चुका है। टीम नंबर 22 वर्सेस टीम 6 यहां पे प्रिमोस के एरिया पे नजर आता हुआ कीर्ति नूबेक्स गाइस, काफी टाइम इनका मैंने देखा है कि नीड से
वो एक नॉक निकालते हुए दिखाई देते हैं। एंड फॉर नाउ इफ यू आर एबल टू सी टीन ओवर सिक्स का पोजिशन विच इज बिहाइंड अ वॉल एंड उनके पीछे पीछे ही बाकी की पूरी लाइनअप नजर आ रही है। बट राइट नाउ अ नीड केम इन बट दैट डिडंट गिव एनी डैमेज। यहाँ पे टीम एलएस के कीर्ति नूबेक्स पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर थ्री मैन स्क्वाड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस माइट जस्ट बी अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर टीम एलएस राइट नाउ, क्योंकि अगर आप देख रहे हो थ्री मैन वर्सेस फोर मैन फाइट करने में आप ऑलरेडी एक स्टेप बैक पर ही हो। फोरा की कयानत वहाँ पे टीआरआई की एश वाइट टी को नॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फॉल बैक किया गया है टीम सिक्स से। मे बी दे वांट टू कैच अ डिफरेंट एंगल राइट नाउ। एंड टी नंबर 22 यहाँ पे जो एक नॉक निकल के आया था वो यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं। बट यहाँ पे उनको वापस से नॉक करते हुए टीम एलएस के वैक्सी काफी बेहतरीन एंगल होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे विल वांट टू कंफर्म द किल बट यहाँ पर जो घर के अंदर है तो यहाँ पे किल कंफर्म करता हुआ नहीं दिखाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम एलएस यहाँ पे अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ओस्मन को स्पॉट किया गया है, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे नॉक करते हुए नजर आएंगे। ओवो सैम को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। बट हाइड्रो के क्विस्टिस, इफ आई एम गेटिंग योर नेम रॉन्ग आई एम रियली सॉरी, बट ऑन द अदर साइड कीर्ति नूब ने वहाँ पे एक और नॉक निकाल दिया है। यहाँ पर गाइस वेक्सी को नॉक और फिनिश किया गया है फ्रॉम हाइड्रो यूमी को। एंड यहाँ पे गाइस कीर्ति नूब एक्स एंड एक्वा विल बी द फाइनल टू सर्वाइविंग एंड दिस हैज बिकम अ 2v2 फाइट राइट नाउ। बट यहाँ पे थोड़ा मेजोरिटी यहाँ पर यू नो डोमिनेशन मे भी यहाँ पे टी नंबर 22 से दिखाई दे सकता है। एंड यस दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। यहाँ पे वेक्सी को डेफिनेटली खो चुके हैं, एक्वा को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा। वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड यहाँ पे हाइड्रो के क्विस्टिस को, अगर वो अपने आप को हील अप कर लेते पहले तो पूरा बीन बेटर। यहाँ पे मैक गेमिंग हेलो बोलते हुए, हाय ब्रो, इफ यू न्यू टू द चैनल गाइस डू नॉट फॉरगेट टू यू नो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं यहाँ पे एक बार चैट पे लिख लेना चाहता हूँ कि 2 मिनट का डिले है। येस विथ दैट यहाँ पर टी नंबर सिक्स एक मेंबर को खो के दे हैव स्टार्टेड गुड इन दिस मैच। 4 किल्स के साथ यहाँ पे 2 मैन स्क्वाड अभी मूव करते हुए नजर आएंगे। टी नंबर 16 के पास अगर मैं जाऊँ दैट इज टीम टी आर आई। यहाँ पे आयश एल टी वाई टी नहीं है, आयश एल टी टी आर आई की आयश यहाँ पे जो नॉक हुई थी उनको यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है एंड शी इज हील्ड अप हर सेल्फ एज वेल। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो टीम 19 अभी भी लूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कयानत यहाँ पे पीछे की तरफ आ चुकी है एंड यहाँ पे लूट करते हुए दिखाई देंगे। एंड विद दैट या बाकी के उनके टीम मेंबर्स यहाँ पर सी बिल्डिंग के बॉटम बिल्डिंग को लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। आई नॉर्मली कॉल इट सी बिल्डिंग साउथ सी बिल्डिंग, दैट वे यू नो माई टीममेट्स अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे साउथ सी बिल्डिंग इस एक रीजन से ही बोलता हूँ क्योंकि ऐसे जब हम मतलब मैप को देख रहे हैं इस एंगल से, अभी जैसे आपको मैप दिख रहा है द बिल्डिंग बिलो इज एक्चुअली इन द साउथ साइड, तो यहाँ पे मैं उसको साउथ बिल्डिंग बोलता हूँ। जोन जो यहाँ पे बना है वो यू नो मिलिट्री बेस को भी इधर जोन के अंदर रखा है थोड़ा सा। बट नेक्स्ट जोन जब बनेगा वो डेफिनेटली चेंज होता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो टीम 19 राइट नाउ इज डेफिनेटली लुकिंग एट फाइटिंग आउट दिस बैटल विद टीम 16 एंड दे डेफिनेटली वॉन्ट टू यू नो गेट आउट ऑफ ओवर हियर आफ्टर एलिमिनेटिंग द अदर स्क्वाड दैट इज फॉर बोथ। यहाँ पर टीम नंबर 19 टीम 16 को एलिमिनेट करना चाहती है, टीम 16 भी यहाँ पे टीम 19 को एलिमिनेट करना चाहती है। बट फॉर नाउ व्हाट आई एम एबल टू सी इज फ्रॉम द मिनी मैप टीम 16 यहाँ पे धीरे धीरे करके फॉल बैक कर रही है एंड मे बी दिस फाइट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। मे बी यहाँ पे टीम टी आर आई के पास नहीं है उतना लूट जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड येस यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ए के एम है इनके पास और एक शॉर्ट गन के साथ यहाँ पे एल्सा यू नो शी इज कंटिन्यूइंग हर गेम। एंड कोसा के पास अगर मैं जाऊँ तो इनके पास है एक M762 एंड एक VSS। आयश के पास यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो उनके पास नजर आ रहा है एक थॉम्सन और एक M4 नहीं तो एक AK है, आई एम नॉट श्योर विच गन दैट इज बट येस दैट इज वॉट इट इज। एंड यहाँ पे हार्ली के पास अगर आप देख रहे हो तो एक M4 है विथ शॉर्ट गन गाइस। प्राची यहाँ पे RIP के रोजी वाइटी को नॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर वेयर दैट फाइट इज गोइंग अप एंड येस आई हैव लोकेटेड देम एंड लुक्स लाइक द फाइट इज गोइंग अप ओवर हियर इन दिस एरिया ऑफ स्क्वाड हाउस आउटसाइड
आउटसाइड द जॉर्जापोल एरिया, द आउटर स्कॉर्डर्स ऑफ जॉर्जापोल एरिया, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वो यहाँ पे टीम नंबर 20 टीम 17 के साथ फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड टीम 17 में आई के साथ प्राची खेलते हुए दिखाई दे रही है. प्राची नॉर्मली प्लेज फ्रॉम आईबीई एंड टुडे शी हैज जॉइंड विद स्लेट टू बी प्लेइंग, एंड वी विल हैव टू सी ऑन हाउ दिस पर्टिकुलर स्क्वाड वुड बी परफॉर्मिंग. 3v3 का सिचुएशन है टीम आरआईपी. यहाँ पे क्या ये ग्लिच रूम है रेड पांडास डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक क्या है भाई, क्या हो गया रूम अच्छे से नहीं बना सकते क्या, पागल का रूम. अच्छा अच्छा भाई, और अच्छे से कैसे बनाते हैं, मतलब रूम बना के लोग आ जाते हैं और उसके बाद रूम स्टार्ट हो जाता है, बाकी और कैसे अच्छे से बनाए, मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रो. रेड पांडास एंड बाकी यहाँ पे मैक गेमिंग डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक ब्रो इट इज इन द डिस्क्रिप्शन, अगर वो लिंक एक्सपायर्ड आ रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करिए, मैं डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करूंगा आपको ऑन माई डीएम. एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 5 लोग देख रहे हैं बट लाइक सिर्फ 2 है, तो मुझे नहीं पता यार क्या सिचुएशन यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, बट यहाँ पे रेड पांडास यहाँ पे थोड़ी सी गुस्सा होते हुए क्योंकि रूम अच्छे से नहीं बनाया. आई डो नॉट नो हाउ हाउ बेटर द रूम कैन बी बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑन वॉट शी इज ट्राइंग टू से, शी और ही इज ट्राइंग टू से, बट फॉर नाउ आई वुड वॉन्ट गो टू दिस स्क्वाड टीम 11 यहाँ पर जो यहाँ पे बहुत ही जल्द फाइट करते हुए नजर आएंगे विद टीम नंबर 23. यहाँ पे एरिका को हमने देख लिया, स्नेक यहाँ पे सबसे आगे की तरफ 6 हाउसेस को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इफ यू आर एबल टू लुक एट टीम नंबर 23 जो है मिस की एक लाइनअप वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं इन दिस एरिया. यहाँ पर स्क्वाड हाउस को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं टी नंबर 23 इनकम्प्लीट, एंड दिस स्क्वाड हाउस यहाँ पे पुश करना काफ़ी ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे हर एंगल से एक एंगल मिलता है, मतलब हर डायरेक्शन से एक एंगल मिलता है. यहाँ से अगर पुश करना चाहो तो बालकनी देख पाएगा, यहाँ से अगर आप पुश करना चाहो तो बालकनी भी देखेगा और टेरेस भी देखेगा और नीचे से भी एक विंडो जो है वो भी दिखता है इस साइड से जिस साइड से हम देख रहे हैं वहां से भी दिखेगा. तो फॉर नाउ आई वुड वांट टू गो बैक टू टीम आरआईपी ओवर हियर. उन्होंने यहाँ पे स्ली के आर्या को नॉक कर दिया है बट यहाँ पे अभी भी होल्ड करते हुए ही नजर आ रहे हैं. टाइम इज टिकिंग 1 मिनट 50 सेकेंड फॉर द जोन टू अगेन श्रिंक इन. जोन 4 जो बना है यहाँ पर वो आप देख पा रहे हो काफी सेंट्रिक बट अभी भी मिलिट्री बेस के आईलैंड को थोड़ा सा कवर करता हुआ नजर आ रहा है. टीम योलो यहाँ पे 6 6 हाउसेस पर है बट यहाँ अगर आप देख रहे हो जो बसड़ बचने वाली है बिटवीन टीम 10 टू 9 21 एंड 5 काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है मुझे. बट टी नंबर 2 यहाँ पे अप्रोच हो रही है टी नंबर 10 से, एंड द फाइट ओवर हियर फॉर नाउ इज जस्ट गेटिंग फ्यू नॉक्स एंड दैट इज ऑल इट इज. बट KNF के स्नेक ही यहाँ पे एक नॉक निकालते हुए टी नंबर 23 पर, तो टीम 11 पर हमें चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनता है. एंड गाइज यहाँ पे 7 सेकेंड्स लगता है लोड होने में, एंड देन वंस इज लोडेड देन आप देख पाओगे कि क्या सिचुएशन यहाँ पे बनता है. एंड आप गिन के देख सकते हो यार यहाँ पे 7 सेकेंड्स लगता है. आई डो नॉट नो यार, मैंने सब कुछ कर लिया है आईफोन के अलावा, यहाँ पर कोई भी डिवाइस में जाओ तो थोड़ा सा टाइम लगता है रेंडर होने में विच इज समथिंग दैट आई डोंट अप्रिशिएट. बट इफ यू आर एबल टू लुक एट दिस, यहाँ पे एक नेड गया जो यहाँ पे बाउंस बैक हो गया है, एंड यहाँ पे नॉक मिलता हुआ नजर नहीं आएगा. प्रज्ञा, यस दैट्स द नेम, यहाँ पे वो नॉक जो हुई थी उनको यहाँ पे रिवाइव मिलता हुआ. मिस ड्रीम भी यहाँ पे नॉक हो चुकी है, एंड यूमेको के पास मैं जाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा यहाँ पे यूमेको और रोज क्या करते हैं. रोज अभी के लिए ऊपर की तरफ है, यूमेको यहाँ पे बालकनी की तरफ जा चुके हैं. एरिका को डेफिनेटली स्पॉट किया गया बट शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग डीवा टू बी कमिंग. रोज विल बी द फाइनल पर्सन, शी इज नॉट वन प्लेयर, शी इज नॉट द सेकेंड प्लेयर एज वेल. दूर से यहाँ पे टी नंबर 13 का इन्वेजन आता हुआ नजर आ रहा है. टी नंबर 11 को यहाँ पे फिनिश होते हुए हम देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टीम 11 के सिर्फ एक ही मेंबर अभी बचते हुए. ओके टीम 11 के 2 मेंबर्स हैं बट अब एक मेंबर बचते हुए. द फाइनल पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्लच बट यहाँ पे टी नंबर 11 के एक मेंबर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वो यहाँ पे अटक चुके थे, एंड द फाइनल किल वॉज टेकन बाई टीम आरआईपी एंड ऑल्सो दे एलिमिनेटेड टीम मिस ओवर हियर. दैट वॉज अ प्रीटी मेस बेस्ट अप सिचुएशन. यहाँ पे टीम नंबर 13 का काफी प्यारा थर्ड पार्टी देखने को मिला. विचर को उन्होंने यहाँ पे बहुत पहले ही खो दिया था, एंड राइट नाउ दे पिक्ड ऑफ 2 किल्स ओवर हियर इन टोटल टीम 11 के एक मेंबर को, और टीम 23 जो है टीम मिस का एक लाइनअप जो है वो उनका भी एक किल उन्होंने ही सिक्योर किया. बट द थर्ड पार्टी डेफिनेटली हेल्प टीम 23 टू बी बैलेंस्ड फॉर सम टाइम. एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 2 किल इनके नाम पे है, देन मे बी यहाँ पर
पे जो आरआईपी की एसक्यू इलेक्ट्रा एसक्यू सॉरी आरआईपी एसक्यू यहाँ पे अगर आप देख रहे हो उनके पास एक्चुअली 2 किल्स आ चुके हैं। सो विद दैट यहाँ पर मैं जाना चाहूंगा ऑन द अदर साइड। यहाँ अगर आप देख रहे हो टी नंबर 20 ने डिसाइड किया फॉल बैक करने का, टीम आरआईपी भी यहाँ पे रोटेशन लेते हुए नजर आएगी। बाकी यहाँ पे फाइट्स मुझे लग रहा है कि टीम 14 का हो सकता है विथ टीम 5 आई गेस। यहाँ पर काफी बाजू में नजर आ रही थी टीम 4 भी यहाँ पे है, टीम 9 भी यहाँ पे है। यूलो की बार भी यहाँ पे एक नॉक निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद दैट टीम नंबर 9 हैज बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। डिप्रेशन पांडा यहाँ पर जो थी द फाइनल पर्सन सर्वाइविंग फ्रॉम टीम 9 हैज बीन एलिमिनेटेड एंड विद दैट वी आर डाउन टू 47 प्लेयर्स एंड 13 टीम्स इन द लॉबी राइट नाउ। एंड आई एम नॉट श्योर यार यहाँ पे थोड़ा सा हेट वेट मिल रहा है रूम ब्लेज मैनेजमेंट को, बट आई वुड ओनली से कि यहाँ पे रूम सब सही से ही बना है। आई डू नॉट नो वॉट द इशू इज है, यहाँ पे कौन सी बात यहाँ पे हो रही है, बट 7 लोग देख रहे हैं, लाइक सब 3 है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड सपोर्ट करो गाइज। यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ जितना हो सकता है। कल यहाँ पर रेड आया था जो मैं इग्नोर कर दिया, बट दैट हैज बिकम अ लेसन फॉर मी। इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल देन आई मस्ट जस्ट नॉट बी स्ट्रीमिंग, एंड इफ आई एम नॉट इन द राइट कंडीशन तो यहाँ पे डेफिनेटली यू नो बता देना चाहिए पहले से ये एक और डिस्क्लेमर, ताकि यहाँ पे यू नो रेड आए तो भी वो समझ ले कि क्या हो रहा है। बट यहाँ ओवर हियर गाइस आई वुड एक्चुअली वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैच मोर दैन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द चैट्स, बट चैट्स विल ऑल्सो बी अ प्रेफरेंस फॉर मी फ्रॉम नाउ। यहाँ पर जितना इंटरेक्ट करूंगा उतना ही मजा आने वाला है। Zone 5 यहाँ पे जो बना हुआ है वो काफ़ी 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 हार्ड शिफ्ट लिया है एंड बहुत ही ज़्यादा यू नो सदर्न साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। टीम 19 यहाँ पे टीम 10 के काफ़ी बाजू, तो टीम 19 के पास मैं चलना चाहूँगा। टीम नंबर 10 के साथ इनका फाइट होने वाला ही है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर दिया है। कोरार के कयानंद यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट्स लेते हुए नजर आ रही है एंड यहाँ पे बाकी के यहाँ पे टीम केएस जो है यहाँ पर आ चुके हैं अंदर की तरफ, उन्होंने स्लैमिंग भी कर दिया। अगर आप देख रहे हो उनके पास है एक बीआरडीएम एंड कयानत का हेल्थ काफी लो होता हुआ नजर आ रहा है। यू आर एबल टू लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ द टीम्स राइट नाउ एंड विथ 1 नॉक आई गेस आई विल बी गोइंग टू दैट पर्टिकुलर टीम जिनका यहाँ पे नॉक हुआ था, तो ताकि हमें बेटर यहाँ पे पता चले। एंड शिवानी ने यहाँ पे पूरा के कयानत को एक नीड से डाउन कर दिया एंड दैट इज अ गुड स्टार्ट आई वुड से। मोलोटोव भी डाला गया है एक किल कंफर्मेशन करवाने के लिए। फॉर आर कयानत यहाँ पे डेफिनेटली डाउन हुई थी फॉर द रीजन दैट शी वाज प्रीटी लो ऑन हेल्थ एंड यहाँ पे तसीफा को देख रहे हो वो यहाँ पे रिवाइव देके पीआरडीएम के अंदर बैठ चुकी है, अपने आप को हील अप करेंगे एंड उसके बाद ये फाइट कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। केएस की किटी के पास मैं चलना चाहूंगा, वो यहाँ पे पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। 1v2 का सिचुएशन, एक को डाउन किया, सेकेंड को भी यहाँ पे डाउन करने ही वाले हैं बट वो खुद यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। सुबह के पास मैं जाना चाहूंगा, तसीफा भी यहाँ पे डाउन होते हुए नजर आ रही है एंड सुबह वो भी द फाइनल पर्सन सर्वाइविंग एंड उन्होंने यहाँ पे एक को तो नॉक कर लिया बट पीछे की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए। रीलोड पे चला गया था गन, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से टीम केएस की सुबह ने हैंडल किया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उनके हाथों आता है यहाँ पे 2 किल। केएस की किटी ऑल्सो डिड अ प्रीटी फैबुलस जॉब बाय हैंडलिंग दैट 1v2 सिचुएशन विथ हर यू नो विथ हर M760। यहाँ पे 4 आर के कयानत अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। तसीफा का किल यहाँ पे डेफिनेटली कंफर्म हो चुका था, तसीफा यहाँ पे बीड आउट कर चुकी थी। मे बी वहाँ पर नॉक करने के बाद उनके ऊपर और भी शॉट्स बरसाए गए थे, बट फॉर नाउ वी विल वॉन्ट टू लुक एट द अदर फाइट्स दैट्स हैपनिंग। एंड अगर आप देख पा रहे हो तो टीम 5 एंड 20 आर काफ़ी यहाँ पे क्लोज बाय नजर आ रहे हैं। टीम 20 का पोजिशन इज बहुत ही प्यारा। टीम नंबर 4 भी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन पोजिशन पे है। दिस इज एक्चुअली रिमाइंडिंग मे द फर्स्ट मैच ऑफ पीएमसीओ वेयर एग्जैक्टली वेयर टीम नंबर 4 इज वेयर एनडीटी वाज एज वेल देयर एंड टीम नंबर 15 यहाँ पर अगर आप देख रहे हो आरआईपी की लाइनअप को यहाँ पे फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आरआईपी एसक्यू की लाइनअप इज नॉट आरआईपी द मेन लाइनअप, बट यहाँ पे टीम 15 जो एक ही गाड़ी से ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, दे माइट जस्ट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द व्हीकल ब्लास्ट बट एट द राइट टाइम दे गॉट ऑफ इट। यहाँ पे व्हीकल को ब्लास्ट किया गया, बास के आयरिस का यहाँ पे काफी हेल्थ लो हुआ है, बट नाउ वी विल हैव टू वेट एंड वॉच ऑन हाउ दिस इज गोइंग टू गो अबाउट। टीम नंबर 2 के पास अगर आप देख रहे हो प्रिसीलैक्स का यहाँ पर हेल्थ काफी कम किया गया है फ्रॉम स्ट्रॉबेरी एंड स्ट्रॉबेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
स्पॉट करते हुए बंदों को, एंड व्हाट एन अमेजिंग स्प्रे दैट केम फ्रॉम ग्लेशिया. मे बी दैट्स अ थर्ड पार्टी, आई एम नॉट श्योर. ओके, 3/15 पर से ही खेलते हुए ग्लेशिया यहाँ पे गाइस. जब नए नाम्स होते थोड़ा सा टाइम लगता है स्टडी करने में, बट यहाँ पे TRI की यहाँ पे एल्सा जो है उन्होंने यहाँ पे एक नॉक निकाला T/22 के ऊपर, एंड दैट इज द लाइनअप ऑफ TRI. यहाँ पे किल भी चोरी किया गया, प्रिसिलैक्स को भी यहाँ पे स्पॉट किया गया. T/16 has started to march inside and team 2 यहाँ पे काफी दिक्कतों में नजर आते हुए revive मिला जा रहा है team number 2 के Cherry White को, and we will have to see on how it goes about. Show team believe in girls by slot number बता दो यार please. I'm not sure कौन सी slot है. So let me just try to actually figure out believe in girls कौन सी slot है, but for now if you're able to see YOLO okay भी यहाँ पे fight होते हुए नजर आ रहे हैं, but the fight over here between T/2 and 16 has come to an end where T/16 has wiped out the whole squad of T/2. And यहाँ पे अगर आप kill feed पे देख रहे हो, knock तो definitely Priscilla ने निकाला था, but यहाँ पे TRI के Kosa LT gets most of the knocks over here, and यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने capitalize किया इस पूरे situation को. T/15 पर हम जाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, but यहाँ पे believe in girls मुझे okay that is T/2 जिनकी fight अभी हुई थी, and यहाँ पे guys देख रहे हैं 10 लोग, but लाइक बहुत कम है भाई यार. लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार. यशिव नारंग, यो ब्रो, हाय ब्रो, हाय हाय हाय. प्राची यहाँ पे मिस हार्ली को नॉक करते हुए नजर आ रही है, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो एंड चेक आउट ऑन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर विद T/20 राइट नाउ. एंड बास की तन भी वहाँ पे बैक साइड पर जो है T/5 वो यहाँ पे नॉक होते हुए नजर आ रहे हैं. तो लेट अस सी गाइस यहाँ पे T/20 यहाँ पे T/5 के ऊपर नजर डालते हुए नजर आ रहे हैं, पर प्राची का यहाँ पे मिस हार्ली का किल कन्फर्म हो चुका है, बट बिकॉज यहाँ पे TYOLO भी यहाँ पे उसी टीम को टारगेट कर रही थी, एंड विद दैट गाइस TSLAY एंड TYOLO मिलकर यहाँ फिनिश करते हैं T/5 को. किल्स भी यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से यू नो स्प्लिट किया गया. TRI की फ्यूरी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो एक शैक को होल्ड करते हैं नजर आ रहे हैं, उनके एकदम सामने है T/20, एंड द शैक दैट हैज बीन हेल्ड बाय TRI फ्यूरी इज डेफिनेटली गोइंग टू डू वंडर्स इफ शी यूजेस एंड यूटिलाइजेस दैट सिचुएशन प्रॉपरली. टीम फोराक की भी यहाँ पे फाइट होते हुए T/15 पर मैं चलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सुबह ने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को डाउन कर दिया है. T/19 अभी के लिए मैन एडवांटेज के साथ कोरा के कयान है, जहाँ पे टनबी को भी डाउन करते हुए आयरिस वुड बी एक्चुअली बी द फाइनल पर्सन सर्वाइविंग, एंड शी विल हैव टू डील विद अ 1v3 सिचुएशन राइट नाउ. एंड यहाँ पे किटी को स्पॉट किया गया. यहाँ पे गाइस मिनी के टैप शॉट्स इतने बेहतरीन टैप शॉट्स गाइस. स्ले के सोनिया यहाँ पर स्पॉट करते हैं RIP फ्यूरी को, एंड सोनिया का यहाँ पे नेल उनको कंफर्म करता हुआ नजर आ रहा है. शी वॉज एक्चुअली होल्डिंग द शैक, एंड आई वॉज एक्चुअली टेल यू दैट द शैक पोजिशन इफ हेल्ड प्रॉपरली देन इट कुड हैव डन रियली गुड, बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वो यहाँ पे फ्यूरी ठीक से होल्ड नहीं कर पाई है. यहाँ अगर आप देख रहे हो तो गाइस KS की किटी यहाँ पे डाउन हो चुकी है, सो यहाँ मतलब फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं. T/19 यहाँ पे जोन को प्रेफर एक्चुअली कर रहे हैं, सो दैट इज समथिंग विच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ अगर आप देख रहे हो तो जोन यहाँ पर जो बनाया गया है काफी बेहतरीन जोन है. Zone 6 टू माई नॉलेज अगर आप देख रहे हो इज नॉट एनी लेस देन Zone 8 आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे 40% of the zone is inside the water. Team LS यहाँ पे अभी भी सर्वाइव करते हुए, बट आई वुड वांट टू गो टू टीम TRI राइट नाउ, जो यहाँ पे T/4 को काफी दिक्कतें देते हुए नजर आ सकते हैं. Zone 7 जो मना है काफी हार्डशिप लिया है, बट फॉर नाउ मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर इनसाइड द जोन. TRI की रोजी वाइट इज द फाइनल पर्सन सर्वाइविंग. TYOLO को यहाँ पे दिक्कतें देने के लिए TRI हैज बीन स्टार्टेड टू फायर शॉट्स ऑन देम. आयश की LT यहाँ पे डेफिनेटली यू नो नॉक और फिनिश हो चुकी थी, बट यहाँ 3-man स्ट्रॉन्ग एंड 4 kills के साथ यहाँ पे TRI इज बीन विजिबल टू बी गेटिंग फ्यू नॉक्स ऑन YOLO, एंड YOLO की जबी यहाँ पर एक नॉक निकालते हुए नजर आ रहे हैं. एंड आई वुड एक्चुअली वॉन्ट टू गो टू TYOLO राइट नाउ एंड वॉन्ट टू चेक ऑन वेयर शी दे आर एक्चुअली फाइटिंग. एंड T/16 यहाँ पे थोड़ी सी फॉल बैक भी कर चुके हैं. TLS के साथ इनका फाइट, एक्वा को यहाँ पे डाउन किया गया, यहाँ पर एक कार लगा के एक कवर भी बना दिया गया. TYOLO इज डेफिनेटली
showing a wonderful game sense right now. यहाँ पे टैप शॉट्स ऑफ SKS विच इज सप्रेस्ड एज वेल. यहाँ पे LS की टीम को अभी तो अभी के लिए दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि उनके पास है कवर. बट वेन द जोन क्लोजेज इन एंड दैट इज इन अबाउट 50 seconds गाइज, तब काफी ट्रबल दे सकता है. राइट नाउ इन जोन 7 वी आर हैविंग 20 प्लेयर्स अलाइव एंड 7 टीम्स रनिंग फॉर दैट चिकन. RIP की रोजी बाइटी अभी भी सर्वाइव करते हुए. बास की जो लाइनअप थी वो यहाँ पे जोन से ही फिनिश हो चुकी थी. टीम नंबर 14 पर अगर एक बार मैं नजर डालू तो टीम एचएस गाइस यहाँ पे 3 kills के साथ किल फीड पे डेफिनेटली नजर आए थे. मुझसे मिस हो जाएगा था पर यहाँ पे गाइस TRI की एल्सा जो है यहाँ पर अगर आप देख रहे हो टीम नंबर 16 यहाँ पे RIP की रोजी वाइटी को स्पॉट करते हैं और उनको यहाँ पे डाउन कर दिया गया है. पर टीम नंबर 19 यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम TRI के साथ एंगेज कर रही थी बट यहाँ स्ले की आर्या ने नॉक कर दिया है केएस के किटी को. एंड वी विल हैव टू सी यहाँ पे अगर वो किल कंफर्म होता हुआ नजर आएगा. एंड फॉर नाउ इफ यू आर एबल टू लुक एट द स्क्रीन टीम 19 यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत की पोजीशन पे क्योंकि यहाँ पर उनको जोन के अंदर आना है तो टीम 16 को वाइप करके घूम के आना पड़ेगा नहीं तो एक्सामिन होना पड़ेगा टीम 20 पर जो यहाँ पे काफी टाइम से होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं. टीम 14 को दिखाने की मांग यहाँ पे टीम 14 को मैंने दिखाया है और मिनी मैप पे भी अगर आप देख रहे हो तो वो दिखाई दे रहे हैं जोन में काफी प्रेफर्ड एरिया पे. टीम LS यहाँ पे एक रोटेशन लेके आ रही थी टीम स्ले के ऊपर एंड LS की थी नूबेक्स को यहाँ पे नॉक और फिनिश किया गया. टीम नंबर 14 राइट नाउ इज टेकिंग फ्यू शॉट्स, वो काफी अभी के लिए सेफ है जोन के एकदम सेंटर में भी मैं बोल सकता हूँ वो यहाँ पर है. केस की किटी को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है फ्रॉम प्राची एंड किटी विल नाउ बी लूजिंग हर हेल्थ. टीम 4 पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं BRDM को काफी प्यारी तरीके से यूज करते हुए एंड यहाँ पे केएस किटी का किल कंफर्म होते हुए नाउ टीम 19 इज गोइंग टू सर्वाइव 2 man strong एंड द वे दे आर यूजिंग देयर IQ गाइस द नेक्स्ट लेवल गेम सेंस ओवर हियर फ्रॉम टीम 19. बट यहाँ 4 की कयानत बाहर के और आके लेट चुकी है. शी वॉन्ट्स टू गेट फ्यू मोर किल्स फॉर हरसेल्फ, 2 kill है इनके पास और यहाँ पे उन्होंने मिस किया टीम TRI का इन्वेशन. एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 4 के कयानत को यहाँ पे डाउन तो कर चुके हैं. सुबह के पास मैं जाना चाहूँगा, उन्होंने यहाँ पे TRI को डेफिनेटली एक नॉक कर दिया तो वहाँ पे थोड़ा सा फॉल बैक होते हुए नजर आएंगे टीम 16 फॉर नाउ. एंड टीम 19 को रिवाइव मिलता हुआ नजर आ सकता था बट स्ले की सोनिया यहाँ पे 4 की कयानत एंड सुबह को एक ही नेट से फिनिश करते हुए 2 kill अपने नाम और लिखेंगे. टीम स्ले गाइस एन अमेजिंग जोन प्रेडिक्शन फॉर फ्रॉम देयर एंड. एंड यहाँ पे टीम नंबर 14 अगर आप देख रहे हो अभी भी जोन के अंदर एंड दे विल हैव टू जस्ट पिक अप किल्स ओवर हियर. स्ले की सोने यहाँ पे डाउन होते हुए योलो के साइड से एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो शैडो लूनी एक अलग एंगल होल्ड करके बैठी हुई थी एंड यहाँ पे योलो की जवी की हेड यहाँ पे दिखाई देते हुए छानिया यार टीम 14 ही अभी मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर. एंड शैडो लूनी को कवर देने के लिए टीम 14 के बाकी के मेंबर्स यहाँ पे पीछे की तरफ ही है. बार भी यहाँ पे स्पॉट होती है, यहाँ पे डेफिनेटली एक नॉक निकल के आ सकता है बट शैडो लूनी को यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसलिए कि सोनिया ने यहाँ पे HS के हाइफा को डाउन कर दिया है. TRI ने यहाँ पे योलो के लियोन को डाउन कर दिया है. टीम 16 को यहाँ पे एक काफी लंबा और ओपन यू नो एरिया को ट्रैवल करके आना पड़ेगा. टीम स्ले यहाँ पे स्मोक वॉल बना के अंदर आने की पूरी कोशिश. TRI के एल्सा वाइटी को यहाँ पे नॉक किया है प्राची ने. काफी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन यहाँ पे सिनर्जी दिख रहा है टीम 20 से. काफी स्प्लिट होके अंदर आने की कोशिश बट यहाँ पे जोन के अंदर आने के लिए थोड़ा सा लगने वाला है टाइम एंड दिस जोन इज एक्चुअली रिमाइंडिंग मी ऑफ द मॉर्टल नेड राइट नाउ. बट प्राची यहाँ पे योलो के जमी को डाउन करते हुए बट करूगा ने यहाँ पे स्ले के आर्या को नॉक और फिनिश कर दिया. स्ले सोनिया यहाँ पे हाइफा को नॉक कर दिया है. स्ले आर्या यहाँ पर फिनिश हुई थी वो हमने देखा था पहले ही. एंड फॉर नाउ द जोन हैज स्टॉप्ड फेवरिंग टीम 14 कंप्लीटली एंड टीम 4 के एक मेंबर जो गैबी है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं. प्राची गाइस शी इज प्रोन डाउन एंड शी इज जस्ट डूइंग व्हाट शी हैज टू डू पिक अप किल्स. यहाँ पे कोसा यहाँ पे डेफिनेटली फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे. अभी के लिए प्राची स्पॉट नहीं हो रही है विच इज प्रीटी गुड फॉर हर. एंड बार भी यहाँ पे शैडो लूनी को फाइनली नॉक करते हुए नजर आ रहे हैं जो टीम 14 के एक प्लेयर थे. एंड गाइस यहाँ पर अगर आप देख रहे हो टीम 14 और 4 के बीच में एक फाइट स्टार्ट होता नजर आ रहा है.
स्लेक इस सोनिया ने यहाँ पे किल चोरी किया है टी नंबर फोर का, नीचे की तरफ जो गैबी थी उनको यहाँ पे हाई फाइव नीचे गई और उनको डाउन किया। यहाँ पे एक नेड डाला जा रहा है और आई फाइव नॉट रॉन्ग यहाँ पे स्मोक किया जा रहा है टू बी ऑनेस्ट। एंड टीम 16 अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आ रही है नीचे की तरफ से थोड़ा सा, एंड दिस इज द बेस्ट पोजिशन दैट दे कैन होल्ड फॉर नाउ। एंड टी नंबर 14 की हाई फाइव अगर आप देख रहे हो, उन्होंने यहाँ पे नीचे जाके काफी बेहतरीन डिसीजन लिया है। टीम योलो यहाँ पे सैंडविच होते हुए नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर एक नेड गया टीआरआई से एंड जवी का किल यहाँ पे पिक ऑफ किया गया है टीम 16 से। नॉन डेफिनेटली सोनिया ने निकाला था एंड स्ले की सोनिया यहाँ पे लियोन को डाउन कर चुकी है। एंड अ वंडरफुल नेयर कम्स इन फ्रॉम प्राची, शी कंफर्म्स स्ले सोनिया स्किल्स एंड शी आल्सो गेट्स वन मोर किल गाइस। यहाँ पे ग्रेनेड किल्स के नाम पे यहाँ पे टीम नंबर 20 काफी ही बेहतरीन तरीके से सर्वाइव करते हुए टीम नंबर 20 के प्राची के ऊपर मैं जाना चाहूंगा। एक और नॉक उन्होंने निकाल लिया। टीम 16 यहाँ पे अभी दिक्कतों में नजर आएगी, टीम 14 यहाँ पे उनके पीछे है बट कवर डेफिनेटली है टीम प्राची के ऊपर। सोनिया यहाँ पे दिलशा को नॉक करते हुए, व्हाट एन अमेजिंग गेम प्ले दैट वी आर गेटिंग टू सी। टीम 16 को यहाँ पे प्राची ने वाइप आउट किया, टीम 14 एंड टीम 20 के बीच में अभी ये फाइट होने वाला। यहाँ पे गाइस दिलशा अगर आप देख रहे हो KW दिलशा यहाँ पे उनको रिवाइव की जरूरत होगी। जोन यहाँ पे अभी क्लोज हो रहा है 52 सेकंड्स में एंड दैट इज गोइंग टू बी द डेड जोन। नीचे की तरफ हाइफा को सरवाइव करने के लिए उनको चाहिए होगा मेड्स एंड शी डज नॉट हैव मेड्स गाइस। दैट will be the end of team 14 in some time is what I'm predicting. Slay ke Sonya yahan pe aate hain Uzi ka wonderful spray but AKM capitalize karte hue nazar aa sakta tha but I do not know what just happened over here and I guess team HS is actually, oh my god, I don't know what happened over there. Prachi kab knock hui thi, that is something I really have no idea about. But Slay Sonya was the final person surviving and unko yahan pe AKM versus Uzi mein AKM dominate karke team 14 yahan pe chicken leta hua nazar aa raha hai. I am just blank over here guys. Slay ki lineup yahan pe चिकन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि एक प्लेयर यहाँ पे टीम 14 का नीचे की तरफ थे और उनको यहाँ पे कोई मैच भी नहीं था तो वो वहां पर वो सर्वाइव करते हुए नजर नहीं आ पाते। बट ओवर हियर गाइस टीम एचएस आई रियली 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 डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू बी हैपनिंग। टीम 14 यहाँ पे वो चिकन जो मिल सकता था, काफी उम्मीद थी टीम स्ले यहाँ पे ले सकती थी उस चिकन को बट यहाँ पे उनसे स्टील करके टीम एच एस फॉर यू गाइस। काफी उमदा जोन प्रेडिक्शन देखने को मिला। टीम एच एस कमिंग अप टू बी एट टॉप स्लॉट नंबर 14 में बैठे हुए 7 किल्स के साथ। यहाँ पे करूगा 3 किल्स और हाइफा के पास है 4 किल्स गाइस। आई डू नॉट नो व्हाट जस्ट हैपेंड ओवर देयर एंड आई विल हैव टू चेक आउट विद दिस टीम एज वेल ऑन व्हेन प्राची गॉट नॉक्ड एक्चुअली। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम स्ले कमिंग अप एट द सेकंड पोजिशन, सोनिया के पास 6 किल्स, प्राची के पास 6 एंड आर्या के पास 1 गाइस 13 किल्स के साथ यहाँ पे आई हुई है सेकंड पोजिशन पे। काफी ग्रेनेड किल्स देखने को मिला था टीम फोराक मतलब टीम KS/फोराक की जो लाइनअप थी उनको भी यहाँ पे फिनिश किया गया था। एंड नाउ आई एम एक्चुअली वॉचिंग माई ओन स्ट्रीम एंड आई वुड वांट टू सी ऑन व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हेन डिड प्राची गेट एलिमिनेटेड गाइस। लेट मी चेक विद दैट वंस। बट ऑन द अदर साइड इफ यू आर एबल टू सी टीम KRI को आए हैं यहाँ पर थर्ड पोजिशन पे एंड फॉर नाउ जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। यहाँ पर प्राची ने एक नॉक निकाला था और ट्रेड में करूगा ने प्राची को भी डाउन किया और उसके बाद आके सोनिया को भी उन्होंने फिनिश ऑफ किया। तो 1v2 सिचुएशन को काफी बेहतरीन तरीके से करूगा ने एक्चुअली हैंडल किया और 3 किल्स के साथ अगर आप देख रहे हो वो यहाँ पे 2 किल्स लास्ट जोन में टीम स्ले के 2 मेंबर्स को फिनिश करके ग्रैब किया था। एन अमेजिंग गेम प्ले दैट वी गॉट टू सी फ्रॉम एचएस गाइस। बट यहाँ पे टीम एट थर्ड पोजिशन जो टीम TRI आई है उनकी भी काफी बेहतरीन गेम प्ले रहा है। टीम KS को उन्होंने पहले दिक्कत दिया था बट यहाँ पे उनका किल स्टील किया था टीम स्ले ने, एक बहुत ही अच्छा नीड आया था उनसे। एंड TRI की कोसा LT गाइस विद 3-4 किल्स एंड एल्सा विद 2 किल्स 6 किल्स के साथ यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे आते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो गाइस एन अमेजिंग गेम प्ले दैट वी गॉट टू सी फ्रॉम ऑल द स्क्वाड्स ओवर हियर। एट फोर्थ पोजीशन टीम योलो काफी बेहतरीन पोजीशन तो था बट वो यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि कहाँ कहाँ बंदे हो सकते थे, बंदियां हो सकती थी और उनको यहाँ पे प्रॉबेबली यहाँ पे चारों दिशाओं से शॉट्स पड़ रही थी, नीचे से भी शॉट्स पड़ रही थी, ऊपर से भी।
तीन जो तीन एरिया था यहाँ पर, वहां सर भी शॉट पड़ रहे थे एंड दैट वाज प्रीटी अनफॉर्चुनेट फॉर टीम योलो फॉर श्योर। बट यहाँ पे बार्बी के पास 3 किल, लियोन के पास 2 एंड जवी के पास 1 किल, इन टोटल हैविंग 6 किल्स आउट हियर। फोर्थ पोजिशन पे फिनिश करते हुए टीम योलो हार्ड लग गई इस, बट यहाँ पे डेफिनेटली वो जरूर नेक्स्ट गेम पे चिकन को एम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था फ्रॉम टीम योलो। एंड यहाँ टीम केएस आती हुई फिफ्थ पोजीशन पे, काफी कंसिस्टेंट टीम है ये एंड काफी उमदा परफॉर्म करते हुए नजर आती है। सुबह यहाँ पे 3 किल्स के साथ, फोरा की कयानत यहाँ पे 2 किल्स एंड केएस की किटी यहाँ पे 1 किल के साथ फिफ्थ पोजिशन पे। स्टैट्स में यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रोल करना चाहूंगा ताकि आप देख पाओ कि कौन सी टीम यहाँ पे कौन सी पोजिशन पे आई है। एंड टीम आई का गैस आई डेफिनेटली मिस्ड आउट द फाइट एंड यहाँ पे काफी फाइट्स मैंने डेफिनेटली मिस आउट किया है, क्योंकि एट द सेम टाइम देयर वर 2 फाइट्स गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली एंड मे बी दैट्स द रीजन व्हाई आई कुडंट कवर, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू बी यू नो डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। एंड यहाँ पर अगर आप एंजॉय करें तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज सपोर्ट करिए। यहाँ पर 500 का टारगेट है, इस वीकेंड तक अचीव करेंगे तो मैं बहुत खुश होने वाला हूँ। सो लेट अस सी गाइस इफ वी आर एबल टू अचीव दैट। फॉर नाउ दिस इज बीन माय टाइम विद द ब्लेज गर्ल्स क्रिम्स मैच 1। ब्रेक पे जाऊंगा मैं एंड आपको मैं मिलूंगा ब्रेक के बाद। नेक्स्ट मैच यहाँ पे स्टार्ट होगा 3:40 तक, स्ट्रीम पे यहाँ पे 3:42 3:45 तक नजर आएगा। सो डू ट्यून इन बैक टू लुक एट दिस हैवी कॉम्पिटिशन दैट वी आर गेटिंग टू विटनेस। यहाँ पे गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स, गर्ल्स स्क्वाड वर्सेस गर्ल्स स्क्वाड होता हुआ काफी उमदा परफॉर्मेंस होता है गाइस फॉर ऑल द प्लेयर्स आउट हियर। सो यहाँ पे उनको भी सपोर्ट कीजिए स्ट्रीम देख के, उनको भी यहाँ पे मोटिवेट कीजिए अगर आप पर्सनली आप उनको जानते हो, दैट विल बी रियली ग्रेट फ्रॉम योर एंड। बट फॉर नाउ दिस इज एको बॉय गोइंग ऑन अ ब्रेक। Thank you.
Into the light, 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 into
चेक चेक चेक, स्वागत है गाइस आप सभी का बैक टू द स्ट्रीम ओवर हियर। प्रिसी लाइक्स यहाँ पर सबको शू बोलते हुए नजर आ रही है। लॉबी के अंदर यहाँ पे सब लोग मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइस उनका कॉस्ट्यूम सब सही है, बहुत हाई एंड कॉस्ट्यूम पहनते हैं। बस मैं अभी तक उसको रेंडर नहीं किया हूँ, मैं मतलब मैंने डाउनलोड नहीं किया, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू सी दैट। बट यहाँ अगर आप नजर डालो तो मैंने यहाँ, एक सेकेंड गाइस, ओके सो द फ्लाइट पाथ इज स्टार्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम इम्पाला गोइंग ऑल द वे टू ट्रेलर पार्क। एंड ट्रेलर पार्क की जगह तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, आई गेस आई डेफिनेटली मिस दैट अप। बट यहाँ पे अगर हम एक्चुअल में सही से बोले तो रूइंस तक जाता हुआ ये वाला फ्लाइट पाथ, एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सेंट्रिक बना हुआ है। बट डेफिनेटली है, जब भी आप प्लान करते हो कि एक कॉर्नर ऑफ द मैप पे जाके लूटने की, तब आके आपको काफ़ी डिफिकल्टी होती है। फॉर नाउ ओवर हियर इफ यू आर एबल टू सी कैंपो मिलिटार और तोरे आहू मदा के एरिया पर, वो काफ़ी मुश्किल होने वाला है टू बी टेकिंग द ड्रॉप। And with that, now we will want to check out with the flight passengers over here. Sari squad यहाँ पे आ चुके हैं, team number 7 और 8 यहाँ पे वन मैन और यहाँ पे टू मैन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं रेस्पेक्टिवली। टीम 19 अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ थ्री मैन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी यहाँ पे गए टीम आर आई पी लाइक एज यूजल दे आर प्लेइंग थ्री मैन। टीम टी आर इज ऑल्सो प्लेइंग थ्री मैन। टीम नंबर 16 जो है टी आर आई की, वो भी यहाँ पे थ्री मैन ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड एन अमेजिंग परफॉर्मेंस दैट वी गॉट टू सी फ्रॉम एच एस ओवर हियर, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस था उनका। एंड आई डेफिनेटली यू नो मेस्ड अप ओवर देयर विद माई कास्टिंग एंड आई रियली वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर द सेम। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मैन एडवांटेज था और स्प्लिट भी काफ़ी अच्छा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ पर टीम स्लेव उड़ा वन। बट यहाँ पे जो 1v2 क्लच निकाला था टीम केएस ने, जो केडब्ल्यूएच एक्चुअल में उनका क्लाइंट टैग एंड में नजर आता है, काफी बेहतरीन 1v2 का क्लच था वो। एंड व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, इफ यू आर एबल टू लुक एट द जोन दैट इज बीन मेड, वो थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे और सेंट्रिक बना है पूरे मैप पे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट जोन टू ऑल्सो बी अ बिट इन द सेंटर। एंड एक सेकेंड गाइज, मैं यहाँ पे अपने इस पे स्ट्रीम चालू कर देना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चैट्स मिस कर रहा हूँ तो वो अच्छा नहीं होता। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आज जी वॉरियर्स की स्ट्रीम नहीं कर रहे डेविल गोस्ट गेमिंग भाई, आज जी वॉरियर्स का T2 मैं करता हूँ, T3 इज बीन डन बाय सम अदर कास्टर, तो आप मैनेजमेंट से एक बार पूछ लो। बट सिंस आई एम इन द ग्रुप I can tell you that today he was busy and that is why he was not able to do the stream. मैं यहाँ पे जी वॉरियर्स के लिए T2 करता हूँ भाई। 327 को ये मैसेज आया था, मैं अभी पढ़ रहा हूँ यार, यहाँ पे लोड भी नहीं हुआ यार, क्या ही सीन ब्रो, इनका मैसेज यहाँ पे लोड नहीं हुआ एंड अभी सडनली कहीं से पॉप अप आ गया है, 327 का मैसेज अब आ रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत की बात डेफिनेटली होगी। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पे नयन दुबे ब्रो आई लाइक योर कमेंट्री भाई, थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच ब्रो। आपके दोस्तों को बोलिए कि आपको मेरी कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है, तो यू नो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आपके दोस्त भी यहाँ पे आके थोड़ा सा हार्ट स्पैम कर दे और थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, यू नो दे कैन लाइक द स्ट्रीम एंड दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा यार अगर आप वो कर पाओगे मेरे लिए, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड यार कीप सपोर्टिंग गाइस, जो भी यहाँ पे आते हो, जो भी यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बोलते हो यार, कीप सपोर्टिंग, बहुत अच्छा लगता है। एज अ कास्टर यू नो एक दो दिन ऐसे ही हुआ था कि गालियाँ पड़ रही थी, आई डो नॉट नो वाई दैट वॉज हैपनिंग, बट वो यहाँ पे स्ट्रीम पे गालियाँ देते हैं, फिर आके बोलते हैं कि भाई आपको कास्टिंग करनी नहीं आती ये वो, बट यार कास्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई स्ट्रीम अबाउट 6 to 7 matches इन अ डे, 2 matches ऑफ ब्लेज गर्ल्स स्क्रिम एंड 2 matches of Z Warriors V2, फिर आके Helios Venom कर रहा था जो अभी नहीं होगा, एंड उसके बाद रात को ब्लेज का मिक्स लॉबी करता हूँ। बट
भाई तब भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कोई समझते नहीं कि कितना यू नो टफ काम होता है 7 मैच एक दिन में स्ट्रीम करना भाई। बट वी विल हैव टू गो टू टीम आरआईपी राइट नाउ, जिनकी फाइट यहाँ पे होते हुए नजर आ रही है टीम नंबर 10 के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड टीम आरआईपी यहाँ पे एक नॉक निकाल के अंदर जाना डेफिनेटली चाहेंगे। एंड यहाँ पे गाइस लोड होता हुआ नजर आ रहा है, टीम ऑन के साथ इनकी फाइट है। टीम नंबर 10 के पास अगर मैं चलूँ तो ये यहाँ पर खेल रहे हैं 4 मैन स्ट्रॉन्ग, जो नॉक हुए थे उनको रिवाइव मिल चुका है। गलेशिया यहाँ पर मिस अनु को नॉक करते हुए, एल एस की किए थी न्यू गाइस वहाँ पे टी आर को नॉक करते हुए, बास के आयशा यहाँ पे मिस अनु का किल कन्फर्म करते हुए नजर आ रहे। ऑल दैट वाज ऑन द किल फीड, बट नाउ राइट नाउ इफ यू आर एबल टू लुक एट दिस गाइस, टीम आरआईपी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू एन अग्रेसिव पुश ओवर हियर। शिवानी को स्पॉट किया गया, कैप्टन ने उनको डाउन किया है। एंड विचर के पास मैं जाना चाहूंगा, विचर यहां पे काफी आगे की तरफ जा रहे हैं। ऑन की लेडी डॉन यहां पर नॉक निकालते हुए दिखाई दे रही है, बट यहां पे वो कंफर्म करे उसके पहले यहां पे विचर का इंटरवेंशन आता है, उनको यहां पे नॉक करते हैं, किल डेफिनेटली कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। रीलोड कर लिया है गन को, अभी के लिए थोड़े से संभलते हुए नजर आएंगे। पीछे की तरफ टीम नंबर 13 के प्लेयर को रिवाइव मिलता हुआ, साइसिलिया यहाँ पे अंदर की ओर मार्च करते नजर आ रहे हैं। ऑन की क्रिस्टी के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो वो यहाँ पे थोड़ी सी फॉल बैक कर रही है, डेफिनेटली यहाँ पे 2 मेंबर्स को वो खो देंगे। एंड ऑन नहीं है यार, डीएन है एक्चुअली, मैं वहाँ पे गलत पढ़ लिया। शिवानी का किल यहाँ पे कंफर्म करते हैं, एंड डीएन के लेडी डॉन का किल भी यहाँ पे कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, यहाँ पर गाइस अगर आपको मेरी कास्टिंग पसंद आ रही है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर बटन एंड सब्सक्राइब बटन। आपके दोस्तों को बोलिए यहाँ पर आके ऐसा एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है फ्रॉम द अंडरडॉग्स एंड दीज गर्ल्स गाइस। जिस दिन से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ और अब तक में काफी डिफरेंस आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है इनका। एंड आई वुड वांट टू गो टू दिस एरिया ऑफ पिकाडो राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम आरआईपी इज हेडिंग ऑन हेड टू हेड विद टीम नंबर 2 राइट नाउ। एंड यहाँ पे आई एम रियली हैप्पी दैट इनका जो कॉस्ट्यूम है वो एटलीस्ट लोड हो चुका है। बट टीम नंबर 17 यहाँ पे टीम 2 के साथ जो फाइट कर रही है, मैक्वीन आपको नजर आ रहे हैं एक बिल्डिंग के और पर। एंड यहाँ जो दिख रहे हो आप सैन मार्टिन की फाइट, मिस ड्रीम को यहाँ पे नॉक कर गया, ट्रेड में एजी के बजी बी को नॉक कर दिया गया फ्रॉम दिस रोज। एंड यहाँ पे जो फाइट है अभी तक स्पार्क नहीं हो रहा है, तो आई वुड वांट टू चेक आउट विद वेयर दैट पर्टिकुलर फाइट इज टेकिंग प्लेस। एंड टीम मिस गाइस काफी टाइम से किल फीड पे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो आई विल वांट टू गो ओवर देयर। एंड यहाँ पे एक लाइनअप है टीम मिस का, एंड यहाँ पे मिस अनमू का किल डेफिनेटली कंफर्म किया गया था फ्रॉम मे बी टीम नंबर 11 ओनली। एंड टीम नंबर 11 के पास अगर मैं चलो, टीम नंबर 11 के अंदर जो स्वीट आर्ट है काफी बेहतरीन गेम प्ले उन्होंने कल निकाला था, 1v3 का क्लच उनके इनके इसमें से देखने को मिला था। एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 4v3 का सिचुएशन आई गेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं टीम नंबर 5 के पास वापस जाऊँ, 4v3 का सिचुएशन, टीम नंबर 5 के पास एक मैन लॉस हुआ था, आरआईपी गर्ल यहाँ पे काफी लो ऑन हेल्थ, डेफिनेटली एनिमीज हेड मार्क किया गया था इसलिए मिस हार्ली वहाँ पे देखते हुए नजर आ रही थी। बट यहाँ पे गाइस देयर इज अनदर स्क्वाड ऑफ टीम मिस जो फाइट कर रही थी, बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो गेस को यहाँ पे एक कार 98 का हेडशॉट पड़ा। एंड यहाँ पे वो अपना हेलमेट भी खोते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे उनको रिवाइव डेफिनेटली मिलेगा, हील अप भी डेफिनेटली करेंगे, अभी के लिए रशन आता हुआ नजर नहीं आएगा। टीम आरआईपी दैट इज स्लैश एक्चुअली टीम आरआईपी नहीं है, टीम केएनएफ होगा। स्लॉट नंबर 11 के यहाँ पर मैं एक बार देखना चाहूंगा कि उनका यहाँ पे क्या नाम है। एंड स्लॉट नंबर 11 पे अगर आप देख रहे हो तो है टीम केएनएफ, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लाइंट आएगा, बट दैट्स द नेम ऑफ पिक्चर। टीम केएनएफ इज गोइंग टू फाइट अ बैटल विद टीम मिस ओवर हियर राइट नाउ। बट यहाँ पे एक और मिस की लाइनअप है जो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, बट ओवर हियर मैं कीर्ति नूबेक्स पे भी जाना चाहूंगा क्योंकि उनकी भी फाइट यहाँ पे हो रही थी। एंड यस वी आर राइट नाउ इन दिस एरिया ऑफ पिकाडो। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम नंबर 6 यहाँ पे टीम 18 के साथ फाइट करते हुए नजर आ रहे थे, टी आर के मोर्सी को यहाँ पे नॉकआउट फिनिश किया गया, ट्रेड में यहाँ पे कोई किल पिक ऑफ नहीं किया गया है, तो टीम नंबर 6 यहाँ पे जो है टीम एलएस वहां पे डेफिनेटली यू नो 4 मैन कहते हुए नजर आएंगे। एंड यस दैट इज द सिचुएशन। यहाँ पे अगर गाइज आप नए हो चैनल पे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मैं बोलता रहूंगा जितने बार बोल सकता हूँ मैं डेफिनेटली बोलूंगा। एंड विद दैट बीइंग सेड यार दिस विल बी माई मैच, मतलब फाइनल मैच फॉर दिस टुडे इवनिंग। एंड इसके बाद हम डायरेक्टली स्ट्रीम करेंगे 7 और 8 ओ क्लॉक को जी वॉरियर्स का T2
और उसके बाद मोस्टली गाइज मोस्टली यहाँ पे T1 देखने को मिलेगा। ऑल द इलाइट टीम्स माइट बी पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर, बट ऑन द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो टीम मिस यहाँ पे हार्ली को डाउन करते हुए दैट इज इन दिस एरिया गाइज। तो यहाँ पे टीम 15 पर मैं चलना चाहूंगा और देखना चाहूंगा गैलेक्सिया यहाँ पे नॉक तो हुई थी पीआर की, कुछ यहाँ पे एलेक्स की कीर्ति नूप को डाउन कर चुके हैं। वेन एवर आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस वहां से यार नॉक देखने को मिल जाता है, प्रीटी बैड यार। और यहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हो टीम बास के आयरिस के ऊपर यहाँ पे आता हुआ एक रश टीम नंबर 5 का यहाँ पे वो डाउन हो चुके हैं। तनवी के पास मैं जाना चाहूंगा, मिस गेस हु यहाँ पर बास के आयरिस का किल कंफर्म भी कर चुके हैं। तनवी विल बी द फाइनल पर्सन सर्वाइविंग, वो अपने टीममेट को डेफिनेटली रिवाइव देना एक प्रेफरेंस देंगे, बट यहाँ पे उनको जाना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ से एक एसीएम का स्प्रे कनेक्ट भी हुआ, दो लोग 10 HP पे बचते हुए, बट यहाँ पे इनका लोकेशन कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है। बट गैलेक्सिया को यहाँ पे रिवाइव देना उनके लिए प्रायोरिटी बनने वाला है, एंड इन केस शी रीचेज एंड सेव्स हर टीम में देन दैट इज गोइंग टू बी प्रेटी गुड फॉर हर। एंड यहाँ पे 1.5 HP पे बचते हैं गैलेक्सिया एंड यहाँ पे उनको रिवाइव मिलता हुआ। टू मैन स्ट्रॉन्ग अभी नजर आएंगे टीम बाज, फॉर नाउ बहुत ही ज्यादा स्प्लिट हो चुके थे। वेन देर आर मोर देन वन स्क्वाड टू कंटेस्ट यू एंड आई वुड ओनली रिकमेंड दैट यू नो स्टिक टू जस्ट वन टीम एंड स्टिक टूगेदर एज वन टीम, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। यहाँ पे गाइस अगर आप नए हो चैनल पे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, 500 का टारगेट है आज के वीकेंड का, और आज का टारगेट हम अभी के लिए स्ट्रीम के एंड तक रखेंगे 435 का। 433 हो चुका है एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड इफ वी आर एबल टू यू नो गेट 2435। यहाँ पे टीम नंबर 5 आ चुके हैं, स्वीट आर यहाँ पे अकेले फंसे हुए 1v4 का सिचुएशन, शी चोक्स एंड शी विल बी एलिमिनेटेड गाइस। दिस इज व्हाट इज नीडेड व्हेन यू आर मूविंग अबाउट, यू शुड ऑलवेज बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। टीम एलएस की जेसी ने यहाँ पे कुशी को नॉक किया है ट्रेड में, क्योंकि कुशी ने वहां पर एक और नॉक निकाला था। टीम 18 पे मैं अगर जाना चाहूँ तो भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वहां पे वो फिनिश ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड फॉर नाउ चेरी वाइटी एक नॉक निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड टीम KNF के दीवा यहाँ पे नॉक यहीं पर इसी एरिया पे नॉक निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बास की लाइनअप भी यहाँ पे अंदर आते हुए टीम नंबर 11 की यहाँ पे दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सैंडविच हो चुके हैं दो स्क्वाड्स के बीच में, टीम नंबर 5 ऊपर से, टीम नंबर 15 नीचे से, टीम नंबर 11 यहाँ पे बीच में से। अगर आप देख रहे हो तो गाइस गैलेक्सिया यहाँ पे आरआईपी गर्ल से नॉक होते हुए नजर आ रही है, एंड दीवा को यहाँ पे नॉक कर दिया बास की तनवी ने। आरआईपी गर्ल का हेल्थ काफी लो बट देखने में काफी इंटरेस्टिंग हुआ, शी इज एबल टू क्लच दिस ऑफ, बट गैलेक्सिया का किल यहाँ पे कंफर्म करके काफी बेहतरीन मूव उन्होंने निकाला है। बट यहाँ पे KNF के दीवा को यहाँ पे खो जाएंगे वो, एंड यहाँ पे आरआईपी गर्ल तो है बट एरिका आई गेस यहाँ पे अभी बहुत लेट आई है। एंड यहाँ पे गाइस बास की तनवी को स्पॉट किया गया एंड एरिका यहाँ पे उनको भी फिनिश करते हुए। विद दैट गाइस टीम बाज हैज बीन एलिमिनेटेड एंड आई वुड वांट टू चेक ऑन द स्टेटस ऑफ टीम 5 ओवर हियर। हार्ली यहाँ पे ब्लीड आउट करते हुए नजर आ सकते हैं, गेस हु को डेफिनेटली यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है। थ्रुपु पर मैं जाऊंगा, वो यहाँ पे हार्ली को सेव करना तो चाहते थे बट यहाँ पे प्ले जोन से वो अपना किल दे बैठते हैं एंड दैट हैज बीन ए प्रीटी अनफॉर्चुनेट एंडिंग। बट यहाँ पे उनका लूट डेफिनेटली लिया जाएगा एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम आरआईपी के पास हेल्थ नहीं है, बैंडेजेस लगा रहे हैं, जोन काफी फास्ट क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तांज गेमर स्लॉट 22 भाई दिखाएंगे यार, दिखाएंगे नहीं अभी से दिखाते हैं। ओके सो यहाँ पे टीम नंबर 5 और टीम 11 यहाँ पे जूझ रही है जोन के बाहर ही, जोन 4 यहाँ पे बन चुका है काफी राइट हैंड साइड में। फॉर नाउ आई वुड वांट टू गो टू टीम स्ले क्योंकि वहां पर इस एरिया में फाइट होता हुआ नजर आ रहा है। बोर्शा को यहाँ पे आरआईपी रोजी वाइटी ने नॉक और फिनिश किया है, तो टीम आरआईपी के ऊपर एक बार चलेंगे और देखेंगे कि इनकी फाइट यहाँ पे जो टीम 19 के साथ हो रही है वो यहाँ पे कैसे एक करवट ले रही है। टीम 17 फॉर नाउ हैज कैपिटलाइज द फाइट सीन क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 3 मैन स्ट्रॉन्ग ही खेलते हुए नजर आ रहे थे टीम केएस एंड यहाँ पे केएस के सुबह और किटी के अलावा यहाँ पे जो वर्षा खेली थी उनका यहाँ पे नॉक और फिनिश कर दिया गया है। एंड दिस इज द राइट टाइम टू बी गोइंग टू टीम 22 राइट नाउ। टीम 22 अगर आप देख रहे हो रोटेशन लेते हुए नजर आ रही है एंड दे आर राइट नाउ इन द नॉर्थन साइड ऑफ सैंड मार्टिन और वहां से वो रोटेशन जो ले रहे हैं वहां पे डेफिनेटली वो टीम नंबर 4 के साथ यू नो मर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। मिस त्रिपु वहां पे हिप्नो के एरिका को डाउन करती है, दैट फाइट इज हैपनिंग बिटवीन टीम नंबर 11 एंड टीम 5 गाइस एंड
एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो टीम फाइव के त्रिपु ने 1v2 किया है स्ले की। सोनिया यहाँ पर एक दो नॉक आई गेस निकाल चुके हैं, तो स्ले के ऊपर हम डेफिनेटली चलना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे सिचुएशन बनता है। प्राची, आर्या, सोनिया एंड यहाँ पे एक और मेंबर जुड़ चुके हैं यहाँ पे, जियोन गर्ल उनका नाम। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्ले की सोनिया एक बालकनी में बैठ के यहाँ पे नॉक्स निकालने की कोशिश, एंड यस शी गेट्स अ सक्सेस ओवर हियर। मैकक्वीन को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है, ऑलरेडी सोनिया के पास है एक किल, तो वो वहाँ पर नॉक और फिनिश किए थे। प्राची का अगर आप देख रहे हो काफ़ी बेहतरीन यू नो पोजिशनिंग फ्रॉम हर, यहाँ पे किल कंफर्म किया गया है। टी नंबर टू यहाँ पे दिक्कतों में नजर आएगी, टी नंबर टू का यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव दिखाना चाहूँगा, पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देख पा रहे हो, वो यहाँ पे पीछे की तरफ भी देख रहे हैं और आगे की तरफ भी देख रहे हैं। बट फॉर नाउ टी नंबर 20 ने यहाँ पे दो मेंबर्स को, यहाँ पे प्रिसीलैक्स और मैकक्वीन दोनों को ही यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है। प्राची यहाँ पे गाइस अंदर चार्जिंग करते हुए एक और नॉक निकाल चुकी है। डाकू दीदी विल बी द फाइनल पर्सन ओवर हियर एंड शी विल हैव टू फेस अ स्ले ओवर हियर एज अ 1v4 सिचुएशन। डाकू दीदी नाउ डिसाइड्स नॉट टू बी डूइंग दैट, क्योंकि 1v4 इन सच अ ग्राउंड, इन सच अ बैटल इज नॉट अ थिंग दैट वी विल एक्चुअली बी एक्सपेक्टिंग ऑलवेज। एंड अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो पीछे की तरफ आएंगे, बट टीम नंबर 20 अभी रशिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट अस सी गाइस इफ देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1v4, एंड यहाँ पे फुटस्टेप आ चुका है, स्पॉट भी किया जाता है, एंड यहाँ पे गाइस पीछे की तरफ अगर जंप करते तो बेटर होता है गन रीलोड करने के चक्कर में। यहाँ पे डाको दीदी को भी कंफर्म किया जाता है, एंड टीम 20 एक्चुअली गाइस यहाँ पर चार किल्स अपने नाम करते हुए टीम 17 एंड टीम 19 के बीच में जो फाइट स्टार्ट हुई थी अभी भी होती हुई नजर आ रही है। एंड टीम 22 के पास मैं वापस से चलना चाहूंगा, क्योंकि वो नजर आ रहे थे टीम 4 के साथ काफी क्लोजली रोटेशन लेते हुए, एंड यस दे हैव स्पॉटेड ईच अदर, और परहैप्स एटलीस्ट टीम 22 नोज द लोकेशन ऑफ टीम योलो राइट नाउ। टीम योलो का काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है लास्ट गेम पे, एंड इफ दे कंटिन्यू टू बी गिविंग द सेम परफॉर्मेंस गेस, टॉप 5 की टीम्स अगर वापस से टॉप 5 आती है तो यहाँ पे एक किल यू नो एक पॉइंट टेबल पे कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, एंड वी विल हैव टू सी ऑन हाउ दिस गोज अबाउट। बट फॉर नाउ अगर आप देख रहे हो टी नंबर 4 और 22 के बीच में कोई भी नॉक्स निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, एंड आई वुड वॉन्ट टू चेक आउट विद द अदर प्लेसेस ऑफ द मैप एज वेल। एंड यहाँ अगर आप देख रहे हो टी नंबर 23 टीम 14 के काफी बाजू एंड टीम 16 के भी काफी बाजू नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे उनको स्पॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि द डिस्टेंस अभी के लिए जो हमें दिखाई दे रहा है वो काफी लो है, बट ऑन ग्राउंड काफी डिस्टेंस होता है। यहाँ पे मैं अपना फोन चार्ज पे लगाना चाहूंगा, क्योंकि फोन का चार्ज अगर यहाँ पे कम होता है तो फिर मैं गेम नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे कैसे फोन को मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया चार्जर से साथ, एंड यहाँ पे पूरा पूरा प्रॉब्लम हो चुका है, एंड ओके यहाँ पे ठीक से चार्ज हो रहा है। टी नंबर 6 पे एक बार चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर वो नजर आ रहे हैं एंड वो वहाँ पर किसको लोकेट करना चाहेंगे। टी नंबर 9 को यहाँ पे उन्होंने देख के रखा है, एंड यहाँ पर टी नंबर 9 का परफॉर्मेंस जो है गाइस लास्ट गेम में थोड़ा सा चोक कर लिए थे, एंड इस गेम में वापसी करने का पूरा पूरा रहेगा उनके लिए। बट फॉर नाउ इफ यू आर एबल टू सी गाइस सिर्फ दो स्क्वाड एलिमिनेट हुए हैं, जोन 5 बनने वाला है, 47 प्लेयर्स एंड 15 टीम्स आर स्टिल बैटिंग आउट ओवर हियर। टीम नंबर 6 यहाँ पे एक स्प्लिट लेते हुए नजर आ रहे हैं, एलएस के एक्वा को उन्होंने यहाँ पे अर्ली कैजुअल्टी में मिस किया था, एक नॉक भी उन्होंने निकाला है पांडा का, एंड यहाँ पे धीरे धीरे चार्जिंग करते हुए नजर आएंगे। फॉर नाउ यहाँ पे 6 लोग देख रहे हैं एंड यहाँ पे कोई भाव नहीं दे रहा है, यार कोई तो कुछ तो बोलो। यहाँ पे टीम 13 आ चुकी है गाइस यहाँ पर टीम 6 के साथ फाइट लेने में, बट एलएस की जैसी ने नॉक निकाल दिया है टीम 9 के भावना का, एंड टीम 6 यहाँ पे अभी भी गड़ी हुई है, एंड नाउ द सिचुएशन फॉर टीम नंबर 9 इज नॉट लुकिंग एज
प्रॉमिसिंग एज इट वॉज बिफोर, क्योंकि यहाँ पे टीम नंबर 9 हो चुकी है सैंडविच RIP SQ और LS के बीच में, एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे जो दिक्कत फेस करेगा वो होगा टीम 9 फॉर नाउ गाइस। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो टीम 13 का एक फ्लैंक होता हुआ नजर आ रहा है मिनी मैप पे, अगर आप वो देख पा रहे हो तो, एंड यहाँ पर वो जो फ्लैंक का पोजिशन होल्ड करने की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है टीम RIPSQ के इलेक्ट्रा को भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो वो काफी 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 बाजू में है अभी टीम LS के जैसी के, एंड द फाइट ओवर हियर इज नॉट रियली स्पार्किंग फॉर नाउ। मीरामर नोन फॉर सच मैचेस, यहाँ पे काफी टाइम लगता है एंड यहाँ पे गाइस काफी सूझबूझ के साथ आई गेस टीम RIP वांट्स टू जस्ट मूव अवे फ्रॉम दिस एरिया, बट हाइड्रो की यूमिको का वहां पर एक नॉक निकल के आता हुआ नजर आ रहा है, एंड द फाइट ओवर देयर हैज फाइनली स्पार्क फॉर टीम RIP सॉरी टीम हाइड्रो, एंड टीम हाइड्रो के पास मैं डेफिनेटली जाना तो चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम स्ले ने यहाँ पे जोन एंट्री के टाइमिंग में उनको पकड़ा है, एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो क्विस्टिस एंड यूमिको दोनों ही डाउन हो चुके हैं। टीम नंबर 22 यहाँ पे रोटेशन लेते हुए नजर आएगी। टीम 20 के ऊपर अगर मैं देख रहा हूं तो वो यहाँ पे दो और किल सिक्योर करके 6 किल्स के साथ यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। दे आर स्टिल डोमिनेटिंग फॉर नाउ, एंड फिफ्थ जोन जो बना है वो यहाँ पे ले चुका है एक काफी हार्ड शिफ्ट ईस्टर्न साइड पे, एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ है, पूरा नहीं पर थोड़ा सा डेफिनेटली नीचे की तरफ है। यहाँ पे मैं स्ट्रीम की क्वालिटी एक बार चेक करना चाहूंगा, सब कुछ सही से चलता हुआ नजर आ रहा है, एंड गाइज यहाँ पर गाइज इंटरेक्ट करते हैं यार, कुछ भी पूछो आप। RIP की SQ यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, SQ की कैप्टन वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं एक नॉक निकालते हुए, एंड यहाँ अगर आप देख रहे हो टीम 20 यहाँ पे टीम नंबर 5 के साथ फाइट करते हुए, टीम नंबर 5 गाइस यहाँ पे सिर्फ दो ही मेंबर्स बचते हैं, उनके सामने एक सिचुएशन हो चुका है 4 का, एंड यहाँ पे अगर आप देखें किल फीड पे ध्यान दिए तो LS के जैसी को यहाँ पे फिस्ट करके फिनिश किया गया। प्राची यहाँ पर एक अग्रेसिव पीक देते हुए लो ऑन हेल्थ होके, ये पीक उनके लिए काफी महंगा पड़ा, बट उन्होंने डेफिनेटली काफी लो किया था मिस गेस वू को, अगर हील अप करके स्प्रे करते तो यहाँ पे एक नॉक डेफिनेटली निकल के आ सकता था। रिवाइव देने के लिए यहाँ पे स्मोक डाला जा रहा है, 2v4 का सिचुएशन अभी 2v2 का होते हुए। मिस त्रुपु पे मैं जाना चाहूंगा, देखना चाहूंगा वो इस एंगल से क्या देख पा रही है, शी इज डेफिनेटली स्पॉटेड, उनका लोकेशन यहाँ पे अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। गेस हु के पास अगर मैं जाऊँ तो वो यहाँ पे पत्थर के पीछे लेट के अपने आप को हील अप करते हुए नजर आ रहे थे, एंड स्नेक की सोनिया यहाँ पर एक व्हीकल लेके जाके अपने टीममेट को रिवाइव देना डेफिनेटली पसंद करेंगे, एंड सोनिया यहाँ पे गाइज काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रिवाइव देते हुए दिखाई देंगे। सोनिया के ऊपर शॉट्स डेफिनेटली कनेक्ट हुए एंड वो यहाँ पे काफी लो, बट प्ले जोन से यहाँ पे मिस त्रिपु यहाँ पे जो एंगल चेंज करना चाहती थी यहाँ पे उनको डेफिनेटली डाउन किया गया, बट मिस गेस हु गाइज अगर आप देख पा रहे हो उनका किल यहाँ पे कन्फर्म होता हुआ। प्राची डेफिनेटली ब्लीड आउट कर चुकी थी, एंड यहाँ पे सोनिया भी डाउन होते हुए नजर आ रही है, एंड जियोन गर्ल यहाँ पे विदाउट स्मोक काफी ओपन से जाते हुए नजर आया और उनको भी यहाँ पे नॉक किया गया, एंड उनका किल यहाँ पे कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। त्रिपु डेफिनेटली यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएगी, बट द फाइट दैट टुक प्लेस ओवर हियर एक कोलैप्स देखने को मिला टीम स्ले से, नॉट रियली वेल कोऑर्डिनेटेड, बट स्ले की आर्या विल बी द फाइनल पर्सन सर्वाइविंग फ्रॉम टीम नंबर 5, एंड उनके पास यहाँ पे मेट्स नहीं है, जोन 5 का डैमेज काफी जोन 6 का डैमेज गाइस काफी ज्यादा, एंड विद दैट टीम नंबर 20 एंड टीम 5 दोनों यहाँ पे जोन के बाहर ही फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे गाइस। यहाँ पे बस कौन 15th पोजीशन पे एलिमिनेट होगा और कौन 14th पोजीशन पे एलिमिनेट होगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, बट ऑन द अदर साइड RIP के रोजी वाइटी नॉक्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बट मिस गेस हु के पास था एक मेड, एंड यहाँ पे गाइस एक और मेड भी मिल चुका है, तो मे बी यहाँ पे टीम नंबर 5 सर्वाइव करते हुए नजर आए, बट फॉर नाउ आई वुड वॉन्ट गो टू टीम RIP जो यहाँ पे नॉक्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीम RIP की जो ये एक लाइनअप है वो यहाँ पे जो नॉक निकाला था वो यहाँ पे डेफिनेटली वापस से नजर आएंगे किल फीड पर, बट फॉर अभी के लिए यहाँ पे RIP के SQ की लाइनअप के पास मैं जाना चाहूंगा, उनका यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही फाइट देखने को मिल रहा है। SQ के कैप्टन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिप्रेशन के पांडा को नॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यहाँ पे विचर जो डाउन है उनको भी यहाँ पे रिवाइव मिलता हुआ नजर आएगा।
9 लोग देख रहे हैं, 12 लाइक है, काफी इंप्रेसिव। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। यहाँ पे गाइस स्किल्स कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है टीम आरआईपी का, एंड टीम आरआईपी यहाँ पे एक्चुअली फिनिश ऑफ कर चुकी है एक पूरी स्क्वाड को, दैट शुड बी टीम मिस। एंड यहाँ अगर आप देख रहे हो विचर का किल आरआईपी रूजी वाई टी ने कन्फर्म किया है। टीम 17 इज ऑल्सो एंटरिंग दिस फाइट बैटल नाउ, बट टीम 13 और 6 के बीच में ये फाइट होता हुआ। वैक्सी काफी लो ऑन हेल्थ, एंड यहाँ पे साइजिलिया यहाँ पे फ्यूरी का जो मूवमेंट था जोन मूवमेंट विद अ कार, उनका व्हीकल ब्लास्ट करके उनको यहां पे गेम से बाहर निकाला है। एंड टीम 17 इज राइट नाउ आल्सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। जोन 6 यहां पे क्लोज इन होता हुआ, अभी भी 14 टीम्स एंड 31 प्लेयर्स अलाइव। गाइस व्हाट अ वंडरफुल गेम प्ले यहां पर। टीम नंबर 17 इज नन अदर देन टीम आरआईपी, एंड प्ले जोन से यहां पे स्ले के आर्या फिनिश ऑफ होके गेम से एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे। यहां पे वैक्सी ने आरआईपी के इलेक्ट्रा को स्पॉट किया, उनको पे नॉक कर दिया गया है, बट आरआईपी की हितवी यहां पे मे बी किल स्टील करते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पे एलएस के वेक्सी ने यहां पे एक जो नॉक हुआ था प्ले जोन से उनको यहां पे कंफर्म किया गया। हितवी यहां पे वेक्सी को नॉक और फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी दैट इज बीइंग डन बाय टीम आरआईपी इज डेफिनेटली डूइंग गुड फॉर देम राइट नाउ, बट जोन के बाहर जो फाइट अभी हो रहा है वो काफी दिक्कतें देने वाला है। प्ले जोन से काफी प्लेयर्स नॉक और फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन भी यहां पर फिनिश ऑफ होती हुई टीम आरआईपी की एसक्यू की लाइनअप फिनिश अप हुई। एंड उसके साथ ही गाइस यहां पे जितने भी स्क्वाड्स थे आप देखे थे कितने प्लेयर्स थे, बट यहाँ पे अगर आप किल फीड पे ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे सारे ही मेंबर्स जोन के बाहर ही मरते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रॉम 14 टीम्स गाइस, फ्रॉम 14 टीम्स वी आर डाउन टू जस्ट 8। जोन 7 बन चुका है। टीम केएस के पास मैं जाना चाहूंगा, टीम 4 उनके काफी बाजू में। आई की मिनी यहाँ पे व्हीकल से बाहर गिरते हुए नजर आ रही है। टीम 22 यहाँ पे रोटेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम 19 के एकदम सामने। टीम 19 को अभी के लिए जोन के अंदर आना है, दे कैन जस्ट डायरेक्टली कम इनसाइड द जोन फॉर नाउ, एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द अदर थिंग्स टू हैपन। 10 लोग देख रहे हैं गाइस, दैट इज प्रीटी गुड काउंट ओवर हियर, एंड आई एम प्रीटी अमेज्ड विद दैट। बट यहाँ अगर आप देख लो टीम नंबर 10 को अभी भी जोन के अंदर आना पड़ेगा। जोन 7 है, अब अगर कोई भी जोन के बाहर होता है, आपने तो देखा ही होगा जोन 6 जब क्लोज इन होकर जोन 7 बना था तब भी काफी डैमेज दे रहा था। योलो के गैबी वहां पे केएस की किट्टी को नॉक और फिनिश करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो की क्रिस्टी ने यहाँ पे एक नॉक निकाला था। मिनी यहाँ पे नॉक होते हैं टीआरआई के एस से, एंड उनको यहाँ पे फिनिश करता हुआ नजर आ रहे हैं। बट वहां पर गाइस टीम केएस जो जोन के बाहर थे और जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, टीम 4 और 22 के बीच में से उन दोनों ने यहाँ पे एक नॉक अपने इसमें सिक्योर किया। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टीम नंबर 19 इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, टीम आई को थोड़ा सा दिक्कत देते हुए नजर आ रहे हैं। For now, if you are able to see, team I के पीछे वहाँ पर team 14 है, इनकी battle यहाँ पे होती हुई। Team KWH guys, the winners of the previous game यहाँ पे Shadow Looney यहाँ पे I के mayor को down करते हैं, I के Misty को यहाँ पे Karuga ने down कर दिया है। And Neon will be the final person surviving. She will now will have to handle the situation over here. 1v3, एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो टीम KWH की यहाँ पर एक शैडो फ्यूमी जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी ही टीम में से खेलते हुए नजर आते हैं, वो यहाँ पे नॉक और फिनिश हो चुके थे फ्रॉम टीम हाइड्रो की क्रिस्टी। एंड आई डेफिनेटली हैव टू चेक वेयर टीम 14 इज राइट नाउ, एंड यस यहाँ पे शैडो लूनी को डेफिनेटली नॉक किया था टीम आई ने, बट यहाँ पे किल सिक्योर किया था टीम हाइड्रो की क्रिस्टी ने। प्ले जोन से यहाँ पे डीएन की क्रिस्टी नॉक होती हुई, एंड दैट शुड बी टीम नंबर 10 मोस्टली, एंड यस दैट इज वॉट इट इज। यहाँ पे टीम 16 पर अगर एक बार चले तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टीम 21 के आई नियॉन को यहाँ पे फिनिश ऑफ करके ही जोन के अंदर जाना प्रेफर करेंगे। 1:10 के हाथ में क्रिस्टी यहाँ पे प्लेजोन से जो नॉक हुए थे वो वहां पर प्लेजोन से ही कंफर्म होते नजर आ रहे हैं। टीम टीआरआई डस नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क फॉर नाउ, तो वो यहाँ पे धीरे धीरे करके ही मूव कर रहे हैं। टीम 14 ऑन द बैक साइड वो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए नजर आ सकते हैं, बट फॉर नाउ इफ यू आर एबल टू लुक एट दिस गाइस, यहाँ पर टीम 23, टीम 4, टीम 7 एंड टीम
14, 21 एंड 16 गाइस ऑल इन द कॉर्नर ऑफ द जोन. जोन के अंदर यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है अपार्ट फ्रॉम टीम नंबर 22 जो यहाँ पे अभी के लिए जोन के अंदर आ चुके हैं. दैट शुड बी अ ब्रिलियंट मूव फॉर देम. टीम नंबर आई के पास मैं अभी आना चाहूंगा. टीम 14 उनके काफी बाजू एंड उनके सामने आ चुके हैं एक प्लेयर बट करूगा यहाँ पे पीछे से चाइना को यहाँ पे डेफिनेटली डाउन किया गया था बट करूगा यहाँ पे पीछे से बहुत ही अच्छा कवर देके टीम आई को यहाँ पे एलिमिनेट करवाती हुई. शॉट्स हैज बीन taken on YOLO के लियोन फ्रॉम सासी मफिन. हाइड्रो के क्रिस्टी यहाँ पे सासी मफिन को फिनिश ऑफ करके अपने टीममेट को डेफिनेटली बचाते हुए मतलब सॉरी यहाँ पे एक किल सिक्योर करते हुए नजर आ रहे हैं. टीम नंबर 22 एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू लोकेट देम राइट नाउ. ओके सो यहाँ पे टीम नंबर 22 का पीछे की तरफ ही है. सासी के मफिन जो यहाँ पे अकेली खेल रही थी अपने टीम के लिए वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं गाइस फिनिश ऑफ होते हुए फ्रॉम टीम नंबर 22. टीम योलो के लाइनअप पे जो लियोन डाउन हुई थी सासी के मफिन से उनका यहाँ पे किल सिक्योर किया गया फ्रॉम टीम टीआरआई. एंड यहाँ पे गाइस क्रिस्टी का एक और M24 का पटका एंड यहाँ पे टीम योलो भी फिनिश होते हुए नजर आ रही है. क्रिस्टी यहाँ पे एक और M24 का नॉक निकालते हुए टीआरआई की एश नॉक हो चुके हैं. यहाँ पे गाइस ब्लास्ट करके टीम नंबर 14 के एक प्लेयर जो है हाइफा उनको यहाँ पे फिनिश ऑफ किया था गया है व्हीकल ब्लास्ट से. एंड यहाँ पे करूँगा अभी भी सर्वाइव करते हुए जोन के अंदर जाने के लिए उनको यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा टीम 22 से. और अगर वो ऊपर की तरफ आते हैं तो टीम टीआरआई उनको यहाँ पे काउंटर करते हुए नजर आ सकते हैं. फॉर नाउ जोन के अंदर नजर आ रहे हैं सिर्फ एक स्क्वाड दैट इज टीम 22. हाइड्रो क्रिस्टी गाइस यहाँ पे 5 किल के साथ एंड मोस्ट ऑफ हर किल्स हैज बीन फ्रॉम यू नो हर M24. एंड यहाँ पे 410 को एक कमेंट आया हे ब्रो हे बॉय नाम क्यों बताओ. अरे भाई क्या ही बोल रहे हो. यहाँ पे गाइज चाइना को यहाँ पे नॉक किया गया टीम नंबर 16 से. एंड यहाँ पे गाइज टीआरआई के कोजा ने ऑन मॉर्फिन को भी यहाँ पे फिनिश किया. विद दैट वी आर डाउन टू 3 टीम्स टीम 22 टीम 14 एंड टीम 16. मैन एडवांटेज टीम 16 के पास 2-1 के स्प्लिट के साथ यहाँ पे अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं. चाइना को यहाँ पे डेफिनेटली रिवाइव मिल चुका था एंड नाउ दिस बैटल इज ओवर हियर बिटवीन 2v2 एक प्लेयर दोनों में नॉक तो हुए थे बट चाइना यहाँ पे फाइनल बंदी जो काफी लो ऑन हेल्थ है वो यहाँ पे सर्वाइव करने की पूरी कोशिश बट यहाँ पे स्पॉट नहीं कर पाए स्मोक के वजह से. एंड विद दैट गाइस वी आर डाउन टू टीम हाइड्रो वर्सेस टीम 16. 2v2 का फाइट रिवाइव मिल गया तो 2v3 का हो सकता है. वी विल हैव टू सी ऑन विच टीम इज गोइंग टू विन बट यहाँ पे जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो रहा है टीम टीआरआई से एंड टीम 14 से उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो यहाँ पे एक प्लेयर नॉक थी उनको यहाँ पे नेर से फिनिश ऑफ करते हुए अपने नाम पे एक और किल जोड़ते हुए टीम हाइड्रो काफी बेहतरीन गेम प्ले. पहले गेम में डेफिनेटली चोक किए थे परफॉर्म नहीं कर पाए थे बट सेकेंड गेम में अगर आप देख रहे हो काफी उमदा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है फ्रॉम दिस टीम. 2v2 का सिचुएशन जोन 9 अभी क्लोज इन होता हुआ एंड यहाँ पे जोन 9 बन चुका है एंड जोन 8 क्लोज इन होता हुआ जोन 9 अभी बन चुका है. जोन के अंदर कोई भी नहीं दोनों ही टीम यहाँ पे जोन को प्रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं. स्मोक वॉल डाला जा रहा है एंड यहाँ पे गाइस क्रिस्टी यहाँ पे काफी आगे आ चुकी है. एंड वी विल हैव टू लुक एट विच स्क्वाड नाउ इज गोइंग टू गेट दिस बैटल आउट. आयुष यहाँ पे काफी आगे के और आते हुए नजर आ रहे हैं. क्रिस्टी को यहाँ पे स्पॉट किया गया उनको यहाँ पे डाउन किया गया एंड आई डू नॉट नो व्हाट अगेन हैपेंड बट यहाँ पे गाइस टीम टीआरआई हैज गॉट द चिकन एंड ओह माय गॉड. यहाँ पे क्रिस्टी को स्पॉट किया गया यहाँ पे आइस ने उनको डाउन किया. ट्रेड में वो नॉक हो चुके थे बट पीछे से एक बहुत ही बेहतरीन कवर आया टीम टीआरआई के मेंबर से और उन्होंने यहाँ पे लास्ट किल जो था सिक्योर किया एंड दे हैव गॉट दैट चिकन in a very fantastic and a brilliant way. What an amazing gameplay from match 1 and match 2 guys. यहाँ पे मैं टीआरआई के बारे में पहले बात करना चाहूंगा. उनके पास देख रहे हो तो 8 किल के साथ एक चिकन डिनर उनके हाथों पे. एल्सा डेफिनेटली बहुत अच्छा यू नो कवर दिया था उन्होंने एक नॉक भी निकाला था बट एट द एंड ऑफ द डे उनका नॉक यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ. दैट विल
बी अ थिंग, बट यहाँ पे जो चिकन ग्रैप किया गया है कोसा और आइस से, यहाँ पे डेफिनेटली एक मोटिवेशन रहेगा टीम टीआरआई के लिए। कोसा एलटी विद 5 किल, आइस विद 3 किल्स एंड एल्सा हैविंग नो किल्स ओवर 8 किल्स के साथ यहाँ पे एक चिकन डिनर। टीम हाइड्रो गाइस पहली गेम में परफॉर्म नहीं किए थे, और इस गेम में मैं क्रिस्टी के M24 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गाइस बात करते रह जाऊंगा और स्ट्रीम कभी एंड नहीं होगा। जस्ट लाइक हाउ हर M24 वॉज ऑन ऑल द टीम्स, रुकने का नाम नहीं ले रही थी वो। नॉक पे नॉक, हेड्स पे हेड्स, हेलमेट पे हेलमेट तोड़े जा रहे थे क्रिस्टी 6 किल्स के साथ, एंड यूमी को यहाँ पे 1 किल के साथ 7 किल्स इस टीम को मिलते हैं। टीम हाइड्रो फॉर यू गाइस एट सेकंड पोजीशन। टीम KWH काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, फर्स्ट मैच में चिकन एंड थर्ड सेकंड मैच में यहाँ पे थर्ड पोजीशन 3 किल्स के साथ, करूगा यहाँ पे 2 किल्स एंड लूनी विथ 1 किल, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस। एंड चाइना यहाँ पे एक्चुअली टीआरआई के कोसा को आई एम का नॉट रॉन्ग स्पॉट नहीं कर पाए थे और डॉट एचपी बच चुके थे, सो शी डिडंट हैव शी कुडंट रियली हैव डन मच ओवर देयर, बट इट वुड हैव बीन अ ग्रेट ट्विस्ट टू बी लुकिंग एट इफ KWH कुड हैव फिनिश द लास्ट प्लेयर ऑफ टीम 16 एंड देन मे बी जस्ट मे बी वी कुड हैड अ डिफरेंट पॉइंट्स टेबल, बट नॉनदलेस What happened is what happened, and बहुत अच्छे से हुआ वो। At fourth position team DN over here, काफ़ी बेहतरीन performance from them as well, काफ़ी passive खेले हैं, kills उनके नहीं हुए हैं but position definitely काफ़ी है बेहतरीन। यहाँ पे last circles में तक लेके आए थे if I'm not wrong Lady Dawn, नहीं तो Morphin ने, I'm not sure, इन दोनों में से एक, and टीम टी आर आई ने उनको स्पॉट किया और उनको भी फिनिश किया गया था। टीम योलो गाइस काफी अनफॉर्चुनेट, दो स्क्वाड्स एक साथ उनको लास्ट जोन में यू नो अटैक कर रहे थे एंड दे वर नॉट एबल टू मैनेज दैट सिचुएशन वेल, बट यहाँ पे 1 किल के साथ फिफ्थ पोजिशन पे आते हुए, यहाँ मैं स्टैट्स को थोड़े से स्क्रोल करना चाहूंगा और मैं आपको पोजिशन दिखाना चाहूंगा। टीम आई भी यहाँ पे थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट गेम फॉर देम, एंड टीम के एस के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट हुई थी ये गेम। काफी स्क्वाड्स गाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे टीम RIP, टीम LS, टीम RIP, SQ, टीम मिस, सारे ही मेंबर्स यहाँ पे नॉक और फिनिश हुए थे जोन के वजह से, बहुत सारे स्क्वाड्स यहाँ पे जोन के ही वजह से फिनिश ऑफ हो चुके थे, बट दिस वॉज वन हेल ऑफ अ मैच, दिस वॉज वन हेल ऑफ अ कस्टम दैट आई हैव गॉट टू कास्ट, एंड आई वुड थैंक ब्लेज मैनेजमेंट फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी। इफ यू हैव लाइक द स्ट्रीम डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, इफ यू हैव नॉट लाइक माई कास्टिंग तो डिसलाइक करो और मुझे बताओ मैं कहाँ पर इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड गाइज विद दैट बींग सेड, अगर आप नए हो चैनल पर तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड दिस इज बीन माई टाइम विद ब्लेज टीवन गर्ल्स गेम्स। यहाँ पे मैं आपको मिलूंगा वापस से 7 बजे को जी वॉरियर्स का T2 कास्ट करते हुए, एंड आज रात को मोस्टली हम कास्ट करेंगे T1 इलाइट, जितने भी PMCO क्वालिफाइड टीम्स है वो भी यहाँ पे नजर आएंगे, तो डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द चैनल गाइस। यहाँ पे काफी मजेदार होने वाला है वो मैच, मैं मेरा बेस्ट देना चाहूंगा, दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गेटिंग टू बी कास्टिंग, तो लेट अस सी यहाँ पे कैसे हम उसको कास्ट करते हैं, बट आपका सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए होगा गाइस, जितने भी फॉलोअर्स हो आप मेरे, जितने भी सब्सक्राइबर्स आप आए हो, आज तक इतना सपोर्ट किया हो, आज रात को भी सपोर्ट करना, कहीं पे भी मिस्टेक करूँ तो प्लीज माफ करना मुझे, एंड यहाँ पे आज भी कहीं पे भी मैंने अगर मिस्टेक किया है, किसी टीम को ज्यादा अच्छा बोल दिया, किसी टीम को कम अप्रिशिएट किया हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल कनेक्शन विद एनी टीम ओवर हियर, एंड आई डू एन अनबायस्ड streaming, that is what I prefer to be doing and that is what I will continue to be doing guys, and with that being said this has been my time with the Blaze Girls Scrims, take care, bye bye.